स्टार्ट हो गया क्या मेरे यहां तो अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ जस्ट अ हो गया हेलो स्टूडेंट कैसे सभी अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग जल्दी से आ जाओ बेटा क्योंकि आज हम सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक करने वाले हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रेजोनेंस है ना रेजोनेंस मैं वही सोचूं इंट्रोडक्शन टू कहां गया रेजोनेंस कहां गया आज बेटा हम रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं अ वेरी गुड इवनिंग बेटा राधे राधे कैसे हो आप सभी जल्दी से बता दो हंस द जोश जल्दी 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 हंस द जोश यस तो भाई आज एकदम हाई जोश चाहिए क्योंकि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पता है रेजोनेंस में ना मतलब रेजोनेंस इतना आसान है वैसे तो पर जब तुम स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हो उसके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही आती है तो उस चीज को चैकल करने के लिए आज हम आ गए हैं ठीक है हेलो बेटा हेलो मैंने सारी डीपीपी भेजी है बेटा डीपीपी जहां जहां रिक्वायर्ड हैं मतलब जहां जहां क्वेश्चन बन रहे कॉमन नेम्स वाली की भी डीपीपी आई है जो आपका लास्ट लेक्चर हुआ है लेक्चर एट उसकी डीपीपी आप देख लेक्चर uh, एट कह रही हूँ कॉमन नेम्स का जो लेक्चर हुआ है प्लीज गो चेक ऑन द टेलीग्राम वहां पे डीपीपी आई है ठीक है ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो डीपीपी तो आई है ठीक है यस अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे अ वेरी गुड इवनिंग आ जाओ कर क्या आज का सेशन स्टार्ट करे क्या आज का सेशन स्टार्ट यस हाउस द जोश मुझे पता है एकदम परफेक्ट है जोश तो तुम्हारा हाई है ना यस yes. ओके okay. चलो बच्चा शुरू करते हैं श्री गणेश करते हैं आज के ब्यूटीफुल टॉपिक का ठीक है यस yes. तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस तो मैम सबसे पहले आप हमारे सामने लिख दीजिए रेजोनेंस ठीक है yes. यस uh, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स uh, एक दो कमेंट्स ऐसे थे कि मैम uh, लाइव चैट uh, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं बेटा मैं जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया उसके बाद में जब मैं तुम्हें लिखने के लिए टाइम देती हूँ तब मैं चैट देखती हूँ अब जो टॉपिक जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं वो तो मैं सॉल्व कर देती हूँ अब तुम लोग ऐसे बोल रहे होते हो मैम मैम मेरा नाम ले लो मैम मेरा नाम ले लो मैं कैसे ले लू बेटा जब तक तुम मुझे करेक्ट आंसर नहीं दोगे तब तक मैं आपका नाम नहीं लूंगी ठीक है यही है इफ यू वॉन्ट तो फिर आपको मेरे को करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ओके okay? यस yes. चलो अब ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजोनेंस ठीक है तो अभी तक अभी तक हम ना इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं और शायद आप सभी को इंडक्टिव इफेक्ट याद होगा उस इंडक्टिव इफेक्ट में मैम हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूव करते हैं ये बात सबको याद थी मैं बहुत स्लोली स्लोली करा रही हूँ बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन तो अभी कुछ लिखना नहीं है अभी सिर्फ सुनना है हाँ मैम हमें याद है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता था वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता था है ना हाँ। तो बेटा ये जो रेजोनेंस होता है ना या ये जो होता है ये होता है वाया बॉन्ड्स तो ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि मैम जो रेजोनेंस होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड से नहीं होता वो हमारा पाए बॉन्ड से होता है ठीक है पहली चीज दूसरी चीज क्या थी बेटा अगर आप वहां पर सिग्मा बॉन्ड्स वाले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो ज्यादा कभी नहीं होता था बॉन्ड टूट गया है ना बॉन्ड टूटता तो नहीं था इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड में बस थोड़े से शिफ्ट हो जाते थे, जिधर ज्यादा आ, होती थी, राइट यस तो वहां पर मैम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था पे ये लेकिन यहां हैं ना आपके इन पूरों का पूरा डीलोकलाइजेशन ही हो जाता है ये पूरे के पूरे उठ के कहीं और चले जाते हैं यानी कि मैम यहां पर हम क्या कहेंगे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है दूसरा क्या बोलेंगे डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे बेटा जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है ठीक है सेकंड इंफॉर्मेशन समझ आई बिल्कुल समझ आई बेटा नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ये जो इफेक्ट होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है ये क्या होता है परमानेंट होता है जैसे इंडक्टिव भी परमानेंट था ना यस yes, मैम बिल्कुल वैसे ही बेटा ये भी परमानेंट है ये टेम्पररी नहीं है ठीक है तो मैम ये क्या है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट यहां तक किसी को कोई भी डाउट है मैंने फिर से बता देती हूं इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू

लिख लो इसको इसके बाद में आगे बढ़ेंगे लिख लो इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे अब बेटा अब बेटा रेजोनेंस जो होता है वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है तो अब हम वो बहुत बड़े टॉपिक को कैसे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सुनेंगे रेजोनेंस जो है वो बेटा हम मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज योर कॉन्जुगेशन ठीक है, फर्स्ट इज योर कॉन्जुगेशन तो हम कॉन्जुगेशन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे ठीक है? है, है, दूसरा बेटा, होता 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 ये जैसे और और था, वैसे ही m और m होता है. क्या होता है कैसे होता है कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टू फियर मैम समझाएंगे ठीक है yes. Next is my dear students, your hyper -conjugation. हाइपर जुगेशन तो हम इसी ऑर्डर में इसको पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे आई होप तुम लोगों को कोई भी इशू नहीं है दिस इज वेरी सिंपल दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है यस क्लियर क्लियर है है बेटा चलो बहुत बढ़िया कृष्णा कृष्णा बेटा ये जो रिएक्शन uh, के क्वेश्चंस है ना जब मैं आपको रिएक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगी तब कराओ अभी अगर आपको जीओसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बेटा ठीक है यस चलो बहुत बढ़िया यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है अब मैम अगला जो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है है बेटा कि मैम ये जो है, ये रेजोनेंस जो हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है ये रेजोनेंस होता क्या है एंड वाई इट केम इन टू दी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हुई इसकी ठीक है तो इसके पीछे की एक कहानी है जैसे मैं तुम्हें कहानी के थ्रू बताती हूँ हर टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है बस वैसे ही इसके पीछे की भी कहानी सुनो ठीक है चलो हुआ क्या हुआ क्या पुराने टाइम में अभी भी अगर कोई नया नया कोई molecule, नया कोई मॉलिक्यूल नया कंपाउंड मिलता है तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं अब मैं तुम्हारा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी लेकिन तुम्हारे तुम्हारे समझ में आ जाए इस हिसाब से बताती हूँ क्या करते हैं बहुत सारी मशीन्स होती हैं बहुत सारे डिटेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं तो कंपाउंड को ना यू डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद में कंपाउंड के अंदर कौन से एटम्स कितने नंबर में है ठीक है हाइड्रोजन है उसका मास कैलकुलेट किया जाता है और फिर उससे पता चल जाता है कि कितने एटम्स है यानी कि यानी कि मैम मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो एक कंपाउंड था जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आया C6H6 ये कंपाउंड था

तो अब इस मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ना किसी को नहीं समझ आ रहा था बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी अब एक चीज याद रखना मान लो मान लो कि लेंथ जो होती है एक सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ को मान लो तुमने लिया x ठीक है तो एक डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो बेटा y कंसिडर कर लेते हैं ठीक है तुम्हें वैल्यूज याद नहीं करनी है तो मैंने x और y तुम्हें बता दिया ओके okay. अब यहां पे तुम्हें एक और चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ठीक है ये क्या है बॉन्ड है तो जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है ठीक है क्या होता है एक सिंगल बॉन्ड जो होगा ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये बेटा बॉन्ड है ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ठीक है अब मैं अगर पूछूं कि दोनों में से कौन सी लेंथ ज्यादा होगी किसकी लेंथ ज्यादा होगी तो हमेशा याद रखना सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है यानी कि मैम जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी दैन द डबल बॉन्ड ठीक है ओके यस तो अब साइंटिस्ट ना इस मोलिकुलर फॉर्मूला से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा फिर उन्होंने जब ये सारी कैलकुलेशंस की तो उन्हें ऐसे लगा कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से इस मोलिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मैम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ना ऐसे तीन डबल बॉन्ड होने चाहिए और तीन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए ठीक है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ठीक है ओके तो अगर ऐसा ट्रू है अगर ऐसा ट्रू है ये बात लोगों ने मानी और फिर लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तीन अलग अलग दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए तीन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ तो डबल आनी चाहिए है ना यस यानी कि क्या आनी चाहिए एल डबल बॉन्ड सी आनी चाहिए और जो बाकी के तीन है वो सिंगल बॉन्ड है तो उनकी लेंथ जो है वो LC, bond, C आनी चाहिए। ये इनकी आनी चाहिए। अगर ये सही है तो ऐसा होगा ठीक है जब वो वैल्यू कैलकुलेट की गई लेंथ देखी गई कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस तो दो अलग अलग वैल्यूज आई ही नहीं सिर्फ एक ही वैल्यू आई सिर्फ एक ही वैल्यू आई जिसे कहा गया एल डैश जिसे कहा गया एल डैश ठीक है चलो ठीक है अब वो वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट जब करके देखा ना उसकी वैल्यू तो सब शौक रह गए सिंगल क्यूं? तो बॉन्ड वाली लेंथ के इक्वल थी, थी तो मैम इसकी वैल्यू क्या थी बेटा ये इन दोनों के बीच में थी ये डबल बॉन्ड से कम थी और ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा थी और ये हो गई दिक्कत और ये हो गई दिक्कत कि ये क्या हो गया ऐसी तो हमने कभी कोई लेंथ सोची ही नहीं कि डबल बॉन्ड से तो छोटी है पर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा सॉरी 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 ठीक है कि मैम सिंगल बॉन्ड से तो डबल बॉन्ड से तो बड़ी है लेकिन सिंगल बॉन्ड से छोटी है क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ठीक है यस yes. तो मैम ये वैल्यू आ गई सब शौक हो गए सबने कहा ये क्या हो गया अब क्या करे अब क्या करें? तो यानी कि बेटा ये स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है ये माना गया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम हो गई यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना नहीं ना ठीक है बहुत बढ़िया क्योंकि अब मैं तुम्हें इसके पीछे का रीजन बताने वाली हूं और वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि रेजोनेंस क्यों जरूरी है ठीक है यस yes. तो बेटा जब ये पता लगा तो बहुत सारे सालों के बाद कैलकुलेशंस करने के बाद पता लगा कि ये अकेला स्ट्रक्चर नहीं है जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो पता है क्या है जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग ही चीज है वो कुछ अलग ही चीज है वो कुछ ऐसा है 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 ये क्या मैम इसका मतलब है बेटा यहां पे यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे तो ज्यादा है लेकिन जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है उससे कम है पर ये होता कैसे है पर ये होता कैसे है ये है बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हम अब ऐसे तो नहीं बना सकते हर जगह पे सारी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे है ना यस yes. तो ऐसे स्ट्रक्चर को ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया इसको डिफाइन करने के लिए कहा गया बेटा कि जो स्ट्रक्चर ये इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बनाए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारे पास में एक स्ट्रक्चर ठीक है और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे एरो बनाओ मैं तुम्हें सारे एरोज वेरोज के मतलब बताऊंगी बट अभी के लिए तुम ऐसे बना लो ये बनाया ये बनाया और ये बनाया ठीक है समझ आया समझ आया अब तुम कहोगे मैम ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है तुम कहोगे मैम ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है क्या बात कर रहे हो नहीं अगर तुम ध्यान से देखोगे और इसको फर्स्ट कार्बन और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ बोलोगे ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स बोलोगे बेटा तो तुम्हें बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन वन और कार्बन टू के बीच में डबल बॉन्ड है ठीक है तो बेटा एक्चुअल में यहां पे ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो आपके डबल बॉन्ड है ना ये कौन से है बताओ जब पहला बॉन्ड बनता है तो सिंग, आ, सिग्मा होता होता है है दूसरा पाई होता है, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं ना ये एक्चुअली डीलोकलाइज करते रहते हैं मूव करते रहते हैं और क्योंकि ये मूव करते रहते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ठीक है तो यानी कि मैम इस एक स्ट्रक्चर को इस एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ना तो ये अकेला काफी था ना ये अकेला काफी था जब दोनों एक साथ आए तब जाके ये हमें इस स्ट्रक्चर को समझा पाए हैं तब जाके ये हमें इस स्ट्रक्चर को समझा पाए हैं ठीक है एंड दिस इज हाउ दिस इज हाउ द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट केम इनटू टू ठीक है तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं रेजो नेस्टिंग हाइब्रिड ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है बेटा ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का ठीक है जिसमें रेजोनेंस हो रही होती है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं रियल में ना ये अकेला सही है ना ये अकेला सही है ये सिर्फ बनाए गए हैं ताकि हम और आप हम और आप वाह ताकि हम समझ पाए ठीक है यानी कि मैम ना तो ये अकेला सही है ना ये अकेला सही है ये दोनों मिलकर हमें इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये हमारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी सोच है ये सच नहीं है ये हमारी सोच है ठीक है तो इसलिए बेटा इनको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है और भी बहुत सारे नाम होते हैं आप इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं कैनोनिकल Can स्ट्रक्चर्स और भी बहुत ही सारे नाम है मतलब नामों की तो कोई कमी नहीं है ठीक है यस yes. तो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अभी हम बहुत सारा रेजोनेंस पढ़ेंगे सो डोंट वरी ये बस एक कहानी थी बेंजीन की जो मैंने तुम्हें बतानी थी ठीक है यस yes. तो ये आप प्लीज लिख लीजिए बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हेलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है डन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई तो करनी है भाई सिलेबस के पीछे मत जाओ ठीक है यस yes. चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलो बेटा यहां तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें देखोगे तो तीन सिंगल बॉन्ड है तीन डबल बॉन्ड है इसमें देखोगे तो तीन सिंगल बॉन्ड है तीन डबल बॉन्ड है लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं है सच्चाई आपकी ये है और हम जितने भी रेजुने आगे रेजोनेंस में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम हमेशा कोशिश करेंगे हम हमेशा कोशिश करेंगे बेटा कि हमें फाइनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाएं ठीक है यस तो इसी तरह से आप रेजोनेंस को डिफाइन भी करते हो इसी तरह से आप रेजोनेंस को डिफाइन भी करते हो तो रेजोनेंस क्या होता है रेजोनेंस का मतलब है मैम कि जब किसी एक स्ट्रक्चर को जब किसी एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो इसको अकेले को समझाने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लगे तो उसे कहा जाता है रेजोनेंस ठीक है यस yes, ये एक लेमैन uh, लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूं ठीक है आई होप यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है बेटा तो आगे बढ़ेंगे ठीक है यस yes. चलो बहुत बढ़िया तो ये पहले डेफिनेशन पढ़ लो फॉर सम मॉलिक्यूल्स

यस देन इट्स ओके बेटा इट्स ओके प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो ठीक है मैम वन क्वेश्चन दैट टू बॉन्ड शोस एडिशन रिएक्शन बट कृष्णा बेटा आई नो आपने थोड़ी सी आगे की डिस्कशन की हुई है जब हम वहां तक पहुंचेंगे रिएक्शंस तक तब मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर दूंगी ठीक है यस yes? चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े आगे बढ़े यस अब पता है क्या इसमें एक और चीज है इसमें एक और चीज है क्या है ये देख लो आप अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे देख सकते हो टोटल जैसे कि मान लो मैंने ये वाले कार्बन के बीच में देखा मान लो हमने ये वाले कार्बन के बीच में देखा ठीक है और यहां पे भी 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 हम ये जितने भी आपके जितने भी आपके आपके स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स हैं हैं रेजोनेटिंग आप ना दो कोई कार्बन ले लो और उन दोनों कार्बन के बीच में देख लो कि कितने टोटल बॉन्ड्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं मैम एक आ रहा है दो और तीन टोटल तीन बॉन्ड्स आ रहे हैं और बिटा, और बेटा बेटा कितने स्ट्रक्चर्स हैं दो स्ट्रक्चर्स हैं तो थ्री अपॉन टू वन पॉइंट फाइव तो आपको इस तरीके से भी पता चल जाएगा कि जो लेंथ है वो बेटा अगर बॉन्ड बॉन्ड होता तो उसकी लेंथ आपको मिल रही थी जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था वो ठीक है यस yes? चलो अमेजिंग अमेजिंग लेट्स मूव फॉरवर्ड आई होप मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दिया है अच्छे खासा लिखने के लिए अच्छा खासा लिखने के लिए तो अगर तुमने लिख लिया होगा तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ओके okay. अब बेटा अगर आप रेजोनेंस की बात करते हैं तो जो रेजोनेंस है क्योंकि इसके बॉन्ड मतलब टूटा ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं है yes. तो हम ऐसा कहते हैं ये जो रेजोनेंस होती है ये एक फिजिकल चेंज होता है ये एक फिजिकल चेंज होता है इट इज नॉट अ केमिकल चेंज ठीक है पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल जो तुम्हारे असर्शन रीजन है ना उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गौर से सुन लो और इन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना ठीक है फिजिकल चेंज आते हैं ये हम बोलेंगे दैट रेजोनेंस इज नॉट अ केमिकल चेंज ये बेटा आपका एक केमिकल चेंज नहीं है अब तुम कहोगे मैम क्यों केमिकल चेंज क्यों नहीं है क्योंकि बेटा अगर कभी भी तुम कोई केमिकल चेंज को डिफाइन करोगे तो तुम कहोगे केमिकल चेंज का मतलब है सिग्मा बॉन्ड्स का टूटना केमिकल चेंज का मतलब होता है केमिकल चेंज का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन ठीक है ऐसे लिख लो सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन अगर आपका कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ठीक है लेकिन जब भी आप रेजोनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो आपके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ठीक है और इसीलिए इसीलिए मैम सिग्मा बॉन्ड्स इंटैक्ट रहते हैं वो बदलते नहीं है एंड दैट इज द रीजन इट इज अ फिजिकल चेंज ठीक है तो हम क्या बोलेंगे नो सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन ठीक है ये यहां से आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज इसको गौर से लिख लो ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है यस yes, परफेक्ट बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट नो केमिकल चेंज एप्सोल्यूटली राइट बार बार बोलेंगे यही याद कर लेंगे सारी चीजें परफेक्ट चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड The average of all these resonating structures is known as the resonance hybrid. I hope आपको समझ आ गया है। जितने भी आप structures बनाते हो उनका जो average मिलता है आपको final जो मिलता है वो आपका resonating hybrid होता है which is the true structure of the molecule or the molecular आयन ठीक है यस नाउ लेट्स ट्राई नाउ लेट्स ट्राई माय डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है तुम खुद कोशिश करना तुम खुद कोशिश करना ठीक है एक स्ट्रक्चर देती हूं एक स्ट्रक्चर देती हूँ लेट्स से यू हैव ऑक्सीजन यू हैव डबल बॉन्ड यहाँ पे है ऑक्सीजन ये हो गया आपके पास में एक दो तीन चार पांच यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा ठीक है यस चलो ट्राई करो बेटा ट्राई करो इस ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो बनाने की कोशिश करो ठीक है यस एक मैं कराऊंगी उसके बाद में अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे ट्राई करो पहले खुद ठीक है अपनी नोटबुक्स में ही ट्राई कर सकते हो अभी तुम यहाँ पे तो कुछ नहीं आ, मतलब obviously तुम चैट तो तो अब अब कभी ब्रेक नहीं होंगे सिग्मा बॉन्ड्स कभी ब्रेक नहीं होते वो बिल्कुल सेम रहते हैं तो बेटा मैं ना इसके पाए वाली चीजों को छोड़ के सिग्मा बॉन्ड्स को पहले ही बना लेती हूँ सिग्मा बॉन्ड्स को पहले ही बना लेती हूँ ठीक है यस चलो तो मैम पहले आप ना इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स को बना दो तो ये मैंने ऐसे बनाया फिर ऑक्सीजन फिर एक सिग्मा बॉन्ड फिर ऑक्सीजन ठीक है ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा अब होगा क्या अब होगा क्या उस चीज को देखो अब बेटा ये जो आपके यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाती हूँ ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है इसके पास नेगेटिव चार्ज अगर मूव करेगा और मैं डबल हेडेड एरो बनाऊंगी तो दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो मैम ये यहाँ से ऐसे मूव करता है आई होप आपको समझ आ रहा है डबल हेडेड एरो इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जब ये इधर मूव करता है बेटा तो ये आपका इसके ऊपर चला जाएगा और आपको पता है कि यहाँ पे भी तो दो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं पाई बॉन्ड में भी तो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यस मैम तो यानी कि अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा इसमें तो कोई इशू नहीं है ठीक है अब मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्योंकि यहां वाला उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज ठीक है यस yes. तो अगर मैं आपको बोलू कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दो ठीक है ये तो तुम्हें समझ आ गया कि ये क्या है आपके केनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये दोनों क्या है केनोनिकल स्ट्रक्चर्स अब आपको मुझे बताना है अब आपको मुझे बताना है कि इसका इसका हाइब्रिड हाइब्रिड क्या क्या होगा, इसका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या किया करो सबसे पहले क्या करना है जो मैम ढांचा है जो मैम हमारे सिग्मा बॉन्ड्स वाली चीज है जो कभी नहीं बदलेगी वो तो सबसे पहले बना देते हैं तो बना दो बेटा ऑक्सीजन फिर यहाँ पे ऑक्सीजन फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है नहीं अब डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो कहा मूव कर रहे हैं वो मैम इधर और इधर मूव कर रहे हैं अब अगर देखोगे एक टाइम पे यहाँ दो थे और यहाँ पे एक बॉन्ड था तो टोटल थ्री बाय टू कर लो तुम्हें दिख जाएगा कि वन पॉइंट फाइव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी दो हैं और फिर एक है यानी कि पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका मतलब है कि आप ऐसे हाफ दिखा दो ऐसे हाफ दिखा दो देखो ऐसे ऐसे अब क्योंकि मैम यहाँ पे यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज था और एक बार यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज था तो क्या करो पार्शियल चार्ज दिखा दो पार्शियल पार्शियल चार्ज दिखा दो कैसे ऐसे बोलो कि नेगेटिव इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कर दो ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा ये होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड तो ऐसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं क्या ये समझ आया अगर ये समझ आया तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगी अगर ये समझ आया तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगी बहुत बढ़िया ठीक है yes. नहीं कृष्णा शेप कैसे चेंज हो सकता है आप खुद सोचो अगर सिग्मा बॉन्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं अगर बेटा सिग्मा बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स ही तो आपका मेन बैकबोन होता है ना स्ट्रक्चर का अगर वो नहीं चेंज हो रहा तो शेप नहीं चेंज हो सकती ठीक है यस Uh, या, यासिर ने पूछा मैम हम डब, डबल हेडेड एरो क्यों यूज करते हैं क्योंकि बेटा जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए थे आई थिंक आपने फिर वो नहीं अटेंड किए हैं हम जब दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाते हैं तो हम डबल हेडेड एरो बनाते हैं ठीक है डन है चलो अब अगला स्ट्रक्चर बना दो अब एक और स्ट्रक्चर है उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तुम्हें स्ट्रक्चर है आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव ओ oh, नेगेटिव ये आपका स्ट्रक्चर है आपको कोशिश करनी है कि आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की ट्राई करो ठीक है चलो ट्राई करो इसको कैसे बनाओगे मैं तो कराई दूंगी डोंट वरी और जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यस शुरू शुरू में ये बहुत ट्रिकी लगता है बट धीरे धीरे हम करने लग जाएंगे फिर हमें बहुत आसान लगेगी ये वाली चीज ठीक है यस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आई होप आप लोग ट्राई करना शुरू कर चुके हो जिन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया वेल एंड गुड जिसने नहीं किया वो इधर देख लो लो कैसे करना है सीख लो। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे आप कहोगे मैम कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये मैम इधर पाए इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये बात समझ आ रही है यस तो मैम ये यहाँ आ जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पे बॉन्ड बनाएंगे बेटा तो इस कार्बन को अपने इस कार्बन को इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा ठीक है यस यानी कि मैम अगर हम पहला ढांचा एकदम सेम बनाए, जैसा है वैसा का वैसा बनाए तो ऑक्सीजन है फिर हमारे पास कार्बन है फिर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है मैंने क्या किया सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो पहले ही बना दिए और क्योंकि सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रही है तो ये वाले ऑक्सीजन का जो

नहीं है तो अगर ये इधर बना के बॉन्ड बनाएगा बेटा उस वाले पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ठीक है और सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटते हैं ठीक है यस तो ये बन गया ये बन गया यस क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या अभी और डीलोकलाइजेशन हो सकती है बिल्कुल हो सकती है हो सकता है कि ये वाला इल, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां आ जाए और आपका ये वाला इधर आ जाए एक सेकंड ये बना दिया हमने हाँ एक ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हो सकता है मैम कि आप आप इधर ये 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 बना बना दो दो और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब मैं क्या कह रही हूं ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना डबल बॉन्ड इधर दे दे और यहां से ये ऊपर चला जाए ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है यस yes, ये भी एक पॉसिबिलिटी है तो यानी कि मैम फिर क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इधर आ जाएगा आपका ओ नेगेटिव इधर आ जाएगा बेटा आपका ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड और यहां पे आपका ये वाला ऑक्सीजन इस बार सेम रहेगा ठीक है इसको मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जस्ट अ ना पहले ढांचा बिल्कुल सेम बनाते हैं यानी कि मैम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन ठीक है अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो मैम हमें पता लग लग रहा है कि यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है अगर यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा यानी कि मैम पे फिर से नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि दो अलग अलग तरह से यहां पे पॉसिबिलिटी है तो अब आप देख रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि एक बार यहां डबल बॉन्ड आ गया यहां डबल बॉन्ड आ गया बेटा और आपका यहां भी डबल बॉन्ड आ गया ठीक है Yes. तो अगर आप यहाँ पे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो कैसे बनेगा बताओ अब तो मैम बहुत आसान लग रहा है अब तो बहुत आसान लग रहा है कार्बन बनाया ऑक्सीजन बनाया ऑक्सीजन बनाया ऑक्सीजन बनाया ठीक है उसके बाद में उसके बाद में मैम तीनों के ऊपर तीनों के ऊपर एक बार सिंगल बॉन्ड दिखा डबल बॉन्ड दिखा सिंगल बॉन्ड दिखा एक बार डबल बॉन्ड दिखा सिंगल बॉन्ड दिखा सिंगल बॉन्ड दिखा डबल दिखा सिंगल दिखा सिंगल दिखा यानी कि यानी कि मैम यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन है और डीलोकलाइजेशन है तो आपको बस ऐसे दिखाना और तीनों पे क्या नेगेटिव चार्ज आया था कभी ध्यान से देखो यहां, यहां मैम नेगेटिव है यहां भी भी नेगेटिव नेगेटिव आया आया है इतना समझ लो और आगे जाएंगे और अच्छे से समझाओगे ठीक है क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कोई भी डाउट है पूछ लो यस रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है आपका ये बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और जो बाकी के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है यस yes. मैम प्लस तो पूरा रहा क्योंकि बेटा वो आपका मूव तो कर रहा है ना ये मूव तो कर रहा है ना चार्ज तो इसीलिए आपको पार्शियल दिखाना होता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी होती आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया जैसे जैसे आगे केसेस आएंगे ठीक है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया अगर आपको यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चलो इन रेजोनेंस द सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन और फॉर्म्ड देयरफॉर रेजोनेंस इज नॉट अ केमिकल जो बात मैंने लिखाई वो यहां पे आपको मिल गई पार्शियल पॉजिटिव yes, कहां आया कहीं मैंने पार्शियल पॉजिटिव बना दिया क्या? बेटा हर जगह मैम ने नेगेटिव ही बनाया मैंने हर जगह नेगेटिव ही बनाया है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में बेटा क्योंकि ऑक्सीजन भी डेलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व था तो आप बस उसका पार्शियल पॉजिटिव बना देते हो ठीक है जहां चार्ज पॉजिटिव आता है वहां पे पार्शियल पॉजिटिव ही शो करोगे ना नेगेटिव नहीं शो कर सकते हो ओके यस चलो डन है डन है ओके चलो तो इसको लिखो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे चलो अब बेटा इसके बाद में इसके बाद में Uh, ये 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 लाइन ऊपर आएगी पहले भी और मैं कराती ठीक है है चलो से समझ आ रहा कि क्योंकि मैम सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बदल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रह रहे हैं तो जो एटम्स है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे एटम्स अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था स्ट्रक्चर चेंज होगा क्या नहीं होगा ये इसका आंसर है ठीक है यस yes.

तो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है ठीक है यस ये डबल बॉन्ड होगा ये होगा एंड ये होगा अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनो अगर आप सभी को अगर आप सभी को बेटा याद हो अगर आप सभी को याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो चार्ज होता है वो बेटा ऑर्गेनिक में उधार की तरह होता है ऑर्गेनिक क्यों पूरी केमिस्ट्री में चार्ज किसी को नहीं पसंद होता वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। है? है। है चार्ज क्या होता है? उधार होता उधार like नहीं पसंद हमें, है ना? हाँ। तो बेटा अगर कभी चार्ज आ जाता है तो मैम हमें नहीं पसंद ये चार्ज ठीक है तो इसका मतलब है बेटा इसका मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है ये बहुत दुखी है ये वाला कार्बन बहुत दुखी है क्योंकि इसके पास चार्ज है इसके ऊपर लोन है अब अगर किसी फ्रेंड के पास लोन हो और वो बहुत ही दुखी हो तो उसके पास-पास के दोस्त जो हैं सच्चे दोस्त जो होंगे वो कहेंगे कि यार तू ना टेंशन मत ले हम हैं ना कोई बात नहीं तेरा इतना उधार है ना थोड़ा सा हम उसको ले लेते हैं तेरे उधार को हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं थोड़ा बहुत ताकि तेरे पे बर्डन थोड़ा कम हो जाए समझ आ रहा है समझ आ रहा है यस अब अगर सेम उधार चार पांच लोगों के ऊपर होगा तो सबको थोड़ा कम बर्डन फील होगा अगर किसी ने सौ रुपए का उधार लिया है अकेले ने तो उसको कितना टेंशन रहेगा कि मुझे सौ वापस करना है ठीक है यस लेकिन अगर वही सौ रुपए चार अलग अलग लोग ले पच्चीस 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 रुपए का लोन लगे तो इसका मतलब है मैम कंपेरेटिवली टेंशन कम है ज्यादा स्टेबिलिटी है ज्यादा अच्छे से नींद आएगी बस वैसी ही बात होती है मान लो किसी एक चीज पे चार्ज है तो बेटा उसको बहुत अनस्टेबिलिटी वो बिल्कुल खुश नहीं है तो उसके आसपास के लोग उसे खुश 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 करने की कोशिश करते हैं हैं डीलोकलाइजेशन कर देते हैं उस चार्ज का जैसे कि यहां पे ये वाला कार्बन जो है ये 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 वाला 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 कार्बन 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 जो 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 है वो खुश है 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 दुखी ठीक ठीक लेकिन वो तो अब होगा क्या यहां देने पड़ेंगे ठीक है अगर ये यहां दे देगा अगर ये यहां दे देगा तो क्या बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बस इतना पार्ट देखना ये इधर वाला छोड़ दो बस ये पार्ट देखना तो तुम कहोगे मैम यहां तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा लेकिन अब यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा है ना यस और यहां पे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है अब बेटा ये वाला बेचारा जो है अब ये दुखी हो गया हाँ कि नहीं, हाँ नहीं। अब ये दुखी हो गया, तो फिर आगे वाले कार्बन करने की कोशिश करेंगे पर आई होप तुम्हें ये बात समझ आई आई होप तुम्हें ये बात समझ आई कि जब आपका चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है ठीक है तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है क्योंकि चार्ज किसी को पसंद नहीं है और अगर वो सबके बीच में बट जाए तो सब खुश हो जाएंगे कंपेरेटिवली खुश हो जाएंगे ठीक yes. so है यस सो दिस इज द रीजन डी लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस डन है डन है यू कैन बेटा आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो फिर मैं अगली क्लास में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी ठीक है डन है डन है यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए परफेक्ट तो हम क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे मैम दैट जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का बेटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डन डन इसे लिखो फिर आगे बढ़ेंगे लिख लो फिर तुम कहते हो मैम लिखने का टाइम नहीं देते हो ठीक है यस yes. yes, आदित्य नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है बिल्कुल आप पढ़िए बेटा ठीक है ठीक है चलो श्लोक डिपेंड करता है आज टॉपिक कितना होगा फॉर रेजोनेंस टू टेक प्लेस द ओके अब इसको समझते हैं अब इसको समझते हैं बेटा क्या कहता है कि अगर कभी भी रेजोनेंस होनी है अगर कभी भी रेजोनेंस होनी है तो पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी नियरली पैरल अब कब रेजोनेंस हो सकती है ठीक है मैम रेजोनेंस होती क्यों है हमें समझ आ गया क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है चार्ज मूव करता रहता है तो फिर स्टेबिलिटी आ जाती है ठीक है लेकिन मैम लेकिन मैम क्या आप हमें ये बता सकते हो कि कब रेजोनेंस होगा और कब रेजोनेंस नहीं होगा बेटा रेजोनेंस होने के लिए जो भी आपके अल्टरनेट कार्बन एटम्स हैं या जो भी दो अल्टरनेट एटम्स हैं वो एकदम प्लेनर होने चाहिए और उनके पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए एक तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरा मैम पैरेलल होने चाहिए पी ऑर्बिटल्स नहीं समझ आया चलो मैं तुमसे पूछती हूं

I hope सभी को पता है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होती है ठीक है तो ये तीन चार आपके मैंने सामने बना दिए तो मैं आपसे पूछती हूँ बन सकता है या नहीं दोनों पी ऑर्बिटल है यस मैम पी ऑर्बिटल है क्या दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल पैरेलल हैं तो बिल्कुल बेटा इनके बीच में पाए बॉन्ड बन सकता है तो क्या लिखेंगे पाए बॉन्ड पॉसिबल क्यों क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं जान है, जान है। अब मैं तुमसे पूछती हूं क्या C3 और C4 के बीच में क्या C3 और C4 के बीच में बॉन्ड बन सकता है क्या बेटा यहाँ पे आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल हैं। ये अगर आपका C3 जो है वो ऐसे है तो पता है आपका C4 कैसे है ऐसे एकदम उल्टा एकदम परपेंडिकुलर अगर c3 ऐसे है तो c4 ऐसे है तो इन दोनों के बीच में मैम पैरेलल नहीं है ये दोनों तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है नॉट पैरेलल और क्योंकि ये पैरेलल नहीं है सो नो पाई बॉन्ड तो इसीलिए बेटा इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है और इसीलिए इसीलिए जब पाई बॉन्ड बन पाएगा तभी तो डिलोकलाइजेशन हो पाएगी तो क्या कहता है फॉर रेजोनेंस टू टेक प्लेस द पी बिटल मस्ट नियरली बी पैरल टू इच अदर सो इट इज पॉसिबल इन अ प्लेनर सिस्टम और नियरली अ प्लेनर सिस्टम क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है ठीक है यस मोर स्टेबल सेक्टर एब्सोल्यूटली राइट तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है बहुत बढ़िया चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अच्छा हम यहां पे ऐसे लिख लो पैरल पी ऑर्बिटल्स तो समझ आई गया नो पाए बॉन्ड्स एक सेकेंड ऐसे लिखो पैरल पी ऑर्बिटल्स पैरल पी ऑर्बिटल्स

बेंजीन रिंग, so, anyway, I started... ये बिचारा इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया है? Yes. चलो, चलो. Now, my dear students, अब हम रेजोनेंस की दुनिया के अंदर घुसने वाले हैं ठीक है तो अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना पड़ेगा ठीक है यस yes. तो मैम एक चीज मेरे को क्लियर हो गई है बेटा अगर आपकी कार्बन कभी भी एसपी थ्री है अगर आपकी कार्बन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो कभी भी कभी भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी ठीक है डीलोकलाइजेशन तभी होगा जब कार्बन जो हो वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो ठीक है ये अब तुम्हें दो मिनट में समझाऊंगी अब मैम अगर हम डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं तो अलग अलग क्या क्या सिस्टम होते हैं कहा रेजोनेंस पॉसिबल होता है कहा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता तो मैं आपके सामने दो तीन स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ देखो एक स्ट्रक्चर बनाया एक स्ट्रक्चर बनाया और एक स्ट्रक्चर बनाया ठीक है ये मैंने आपके सामने तीन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और अब हमें ये देखना है कि कौन से वाले स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है और कौन से वाले स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर आप अगर आप बेटा यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपका ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो बेटा यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके साथ ये यहां जा सकता है और ये आपका यहाँ पे चार्ज जा सकता है जब भी आपका रेजोनेंस होना है जब भी आपका रेजोनेंस होना होता है तो कॉन्जुगेशन होना बड़ा जरूरी है ठीक है और ऐसा सिस्टम जो होता है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो फिर एक सिंगल बॉन्ड हो फिर एक डबल बॉन्ड हो ऐसे सिस्टम को कहते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर रेजोनेंस जो होती है वो बेटा आपकी पॉसिबल होती है तो क्या होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में रेजोनेंस पॉसिबल होगी ठीक है यस yes. अब मैम अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल होगी इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कुमुलेटेड सिस्टम कुमुलेटेड सिस्टम ठीक है और ये जो कोमुलेटेड सिस्टम होता है इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती है ऐसे में कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती है जब ऐसे हो जाए ना कि एक ही कार्बन दो अलग अलग डबल बॉन्ड्स बना रही हो तो फिर वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होती थोड़ी देर में खुद समझ आ जाएगा क्यों नहीं होती ठीक है यस लास्ट है मैम ये वाला सिस्टम क्या इसमें पॉसिबल होगी और इस सिस्टम का नाम क्या होता है इस सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम तो जो आपके आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं एक डबल बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, है अगर इसी सिग्मा बॉन्ड के बाद में डबल आ जाता तो मैम क्या बन जाता कंजुगेटेड सिस्टम बन जाता और रेजोनेंस पॉसिबल होती पर जब आपके दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल uh, बॉन्ड से ज्यादा डिस्टेंस है यानी कि अब यहां पे एक और दो दो सिंगल बॉन्ड्स आ गए आपके पास तो फिर बेटा आपका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन उसके साथ कॉन्जुगेशन होना भी जरूरी है प्लेनर सिस्टम होगा और कॉन्जुगेशन होगी बेटा तब आपका रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो दिमाग में बिठा लो दिमाग में बिठा लो अगर कॉन्जुगेशन होगी तो 90% केसेस में जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है 90% परसेंट बोल रही हूं जहां नहीं होगा मैं तुम्हें कराऊंगी बट तुम अगर कॉन्जुगेशन देख लो तो यू कैन से मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है ठीक है ये सिस्टम लिख लो क्योंकि अब हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं डन ठीक है यस yes. और पूछो और पूछो बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो साथ की साथ जब तक तुम ये लिख रहे हो फिर हम आगे बढ़ेंगे अब हम अलग अलग तरह के मैम किस किस तरह के रेजोनेंस पॉसिबल हो सकते हैं वो आप हमें बता दीजिए तो अब बेटा हम अलग अलग सिस्टम के कॉन्जुगेशन डिस्कस करने वाले हैं ठीक है मैम प्लेनर सिस्टम का मीनिंग प्लेनर सिस्टम का मीनिंग होता है बेटा एक प्लेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है एक प्लेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मतलब मान लो ये एक प्लेन है तो स्ट्रक्चर इसी प्लेन के अंदर हो तो वो प्लेनर सिस्टम होता है ठीक है यस yes? यस yes. चलो इसीलिए बोलती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते थोड़ा सा ठीक है चलो कोई नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर पाई पाई कॉन्जुगेशन क्या है पाए पाए कंजुगेशन अब मैं तुम्हें यहाँ पे अलग अलग केसेस कराऊंगी और अलग अलग केसेस हम देखकर जानना सीख जाएंगे कि कहाँ पर कंजुगेशन रेजोनेंस पॉसिबल है कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ठीक है यस तो जो पहला केस है जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है वो क्या है बेटा आपका पाए पाए कॉन्जुगेशन पाए पाए कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि आपके पास में अगर कभी भी एक इट कलर लेंगे अगर कभी भी आपके पास में मान लो एक डबल बॉन्ड है फिर एक सिंगल बॉन्ड है दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड है बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका एक रेजोनेंस के लिए पॉसिबिलिटी है इट इज अ पाए पाए कॉन्जुगेशन इट इज अ पाए पाए कॉन्जुगेशन ठीक है, मी गिव यू एन एग्जाम्पल क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं समझ आता ठीक है यस yes. तो लेट से आपके पास है एक स्ट्रक्चर एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच ठीक है इसको भी आगे बना लो चलो ये है आपके सामने ये है आपके सामने स्ट्रक्चर अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है तो आप कहोगे आप कहोगे कि मैम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक डबल बॉन्ड है फिर एक सिंगल बॉन्ड है फिर एक डबल बॉन्ड है इसका मतलब है इसका मतलब है कि यहाँ पे

इंपॉर्टेंट ढांचा है उसको बना लो पहले ठीक है यस तो यानी कि मैम हम बना लेंगे C फिर H2 फिर आ जाएगा हमारे पास में सिंगल बॉन्ड फिर सी एच फिर सिंगल बॉन्ड फिर सी एच और फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और फिर आ जाएगा सी एच टू ठीक है यस क्लियर है क्लियर है कोई इश्यू यहां तक नहीं चलो अब क्या करना है अब क्या करना है अब करना है डीलोकलाइजेशन ठीक है हमें पता है हमें पता है कि मैम ये जो डबल बॉन्ड है देखो समझाने के लिए बहुत अलग तरीके से समझाया जा सकता है बट अब तुम सिंपल ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा ठीक है अब मैम अगर ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा तो ये वाली जो कार्बन है इसके तो दो, दो चार और एक हाइड्रोजन वाला पांच बॉन्ड हो जाएंगे और कार्बन के पांच बॉन्ड हो नहीं सकते तो जब कार्बन के पांच बॉन्ड हो नहीं सकते तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको अपना बलिदान देना पड़ेगा और ये क्या करेगा यहाँ चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर तो मैम हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड दिख रहा है यहां पे आ जाएगा मैम क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज ठीक है अब अगर आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो क्या आप ये वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज बता सकते हैं बताओ बताओ आ गई बात फॉर्मल चार्ज पे और मैंने कहा था हर जगह यूज होगा इसका फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा चैट में भर दो मेरे को नहीं पता करेक्ट आंसर चाहिए मुझे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ तुम रोज क्लास अटेंड कर रहे हो ठीक है अगर मैम हम इसके फॉर्मल चार्ज की बात करें तो हमें पता है कि इसकी कितनी क्षमता है कितनी क्षमता है चार इलेक्ट्रॉन्स की और मैम है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में इस कार्बन के साथ में बेटा दो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं तो दो और एक ये तीन टोटल तीन ही है यानी कि प्लस वन फॉर्मल चार्ज मुझे दिखाई दे रहा है यानी कि मैम प्लस यहां पे चार्ज आ जाएगा तो ये बेटा आपके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इन दोनों को कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है और अगर आपको इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो क्या करना है वही चीज जो अभी तक करते आए हो पहले तो इसका ढांचा बना लो सिग्मा बॉन्ड वाला ठीक है वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं उसके अलावा उसके अलावा देख लो कि डीलोकलाइजेशन कहा हो रहा है पहले यहां डबल 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 बॉन्ड बॉन्ड था 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 फिर एक सिंगल था, यहां पे एक सिंगल 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 पे पे हो हो गया यहां पे डबल था, वहां सिंगल हो गया यानी कि मैम हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे 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 ठीक है और चार्ज मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर होता है तो उस पर पार्शियल चार्ज दिखाना होता है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखाओगे इसके ऊपर प्लस था तो पार्शियल पॉजिटिव बना दिया उसके ऊपर नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव बना दिया ठीक है ये हो गया बेटा आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ठीक है आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है जल्दी बता दो जल्दी 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 क्लियर है यस yes. वेरी गुड वेरी गुड सालिया गुड शुभम आई एम वेरी प्राउडेंट्स ने सबसे पहले आदित्य ने दिया था तो इतना अगर आपको समझ आया तो अब मैं तुम्हें एक छोटा सा ना चीट कोड बताने वाली हूँ एक छोटा सा चीट कोड बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो वो सही भी है या नहीं ठीक है तो इसको ऐसे लिख लो चीट कोड हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपके पाई बॉन्ड और जो आपके पाए uh, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा सेम होगा यानी कि मैम हम कहेंगे दैट कैसे बताऊं नंबर ऑफ पाए बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ये वैल्यू जो है वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट ये वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगी चाहे आप कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ अब मैं तुम्हें इसको प्रूव करवाती हूँ अगर तुम ये वाले स्ट्रक्चर में देखो तो सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही थे उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था ठीक है यहाँ पे आपके पास में एक और एक कितने टोटल पाए बॉन्ड थे दो पाए बॉन्ड थे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन से कलर से लिखू येलो से लिख दू तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैम हमारे पास टू पाई बॉन्ड्स थे यहाँ पे है ना तो यानी कि टू नंबर जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए ठीक है अब इधर देखो अब इधर देखो बेटा आपके पास में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ठीक है मैम एक पाई बॉन्ड है प्लस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपने ये जब इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर किए थे इसका मतलब है मैम हमने ये जो नेगेटिव चार्ज बनाया है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है ना एक लोन पेयर है यानी कि हम क्या बोलेंगे वन लोन पेयर तो टोटल वैल्यू यहाँ भी टू आ रही है यहां पे भी टू थी यहां पे भी टू थी ठीक है तो आपके हमेशा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसके अंदर पाई बॉन्ड और लोन पेयर का जो वैल्यू है सम जो है वो हमेशा सेम रहेगा अगर सेम है मतलब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम सही बनाए हैं क्या, को क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट क्लियर बहुत बढ़िया ठीक है यस yes. देखो जिसको पढ़ना है वो चैट की तरफ ज्यादा ध्यान देगा नहीं बाकी सब टाइम पास करते रहेंगे सो डोंट वरी ठीक है आगे बढ़े चलो बहुत बढ़िया नाउ रीड बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाए बॉन्ड्स अब कॉन्जुगेटेड पाए बॉन्ड का मतलब समझ आ रहा है कॉन्जुगेटेड पाए बॉन्ड का मतलब कॉन्जुकेटेड सिस्टम कॉन्जुकेटेड सिस्टम मतलब एक पाए बॉन्ड फिर एक सिग्मा बॉन्ड और फिर एक बॉन्ड इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड पाईबोंड सिस्टम ठीक है तो ये आपका सिस्टम होगा और ये हमेशा रेजोनेंस शो करेगा ठीक है कोई इशू नहीं है बहुत धीरे धीरे करा दियो ताकि सारी बातें दिमाग के अंदर बैठ जाए ठीक है नेक्स्ट इफ ऑल द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेर एंड बॉन्ड मस्ट रिमेन द सेम ठीक है ये मैं लिखवा चुकी हूं तो ये लाइन दोबारा मत लिखो कोई इशू नहीं है चलो चलो बेटा अब तुम्हारे सामने अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे आंसर दो नहीं यहाँ पे एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ये वाले स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो ठीक है ये है आपका एल ए ठीक है और वो है आपका LB अब आपको मुझे बताना है कि ये LA है और ये LB है क्लियर है ना ये साफ-साफ तो दिखाई दे रहा है आई होप यस साफ दिखाई दे रहा है ठीक है चलो अब मुझे बताओ बेटा LA और LB में से कौन सी वैल्यू बड़ी है अगर तुम्हें सारी बात समझ आई है तो तुम डेफिनेटली ये आंसर कर पाओगे लेट्स सी कौन इसको करेक्ट आंसर करता है नियति यस वो मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया ठीक है चलो ट्राई कृष्णा दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कार्बन में दूसरे एलिमेंट्स भी लाऊंगी अभी हमारे ऑप्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो दूसरे भी आएंगे डोंट वरी जल्दी बताओ जल्दी एल बी इज मोर ठीक है मेरे पास आंसर आ चुका है आदित्य का एल बी इज मोर ऋतु कह रही है ए जतिन कह रहे हैं सेम एल एल बी चले करें डिस्कस चलो अगर अगर तुम्हें थोड़ी सी बातें समझ आ रही होंगी तो तुम एक चीज बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होगे बेटा कि मैम यहाँ पे ना यहाँ पे मैम एक डबल बॉन्ड है अगर तुम गौर से देख रहे हो बेटा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है फिर यानी कि मैं ऐसे बोल दू यहां पे आपके पास पाए बॉन्ड है यहां पे आपके पास सिग्मा है और फिर से पाए है यानी कि कॉन्जुगेशन है यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ मैम यहाँ पे रेजोनेंस है और अगर रेजोनेंस है इसका मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है है ना यस yes. यानी कि बेटा जो एल ए लेंथ है वो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ होती है ना उससे ज्यादा है ये बात श्योर है ठीक है अब आ जाओ इधर अगर तुम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो बेटा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम अभी थोड़ी देर मैंने तुम्हें बताया था पहले कि आइसोलेटेड सिस्टम में दो पाए बॉन्ड्स हैं ये भी पाए है ये भी पाए है, है लेकिन इन दोनों के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड्स आ गए और जब दो सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो नो रेजोनेंस तो अगर बेटा कोई रेजोनेंस नहीं है तो मैम एल बी जो होगा वो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ उसके उसके इक्वल होगी मानते हो कि नहीं यस और मैम हमारा LA जो है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका मतलब है कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम होगी तो मैम वो तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है और ये सिंगल बॉन्ड से कम है यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट एल इज लेस एल बी क्योंकि एल बी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है बेटा लेकिन आपका एल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा सिंगल कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे बना लो समझ आ रहा है और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी कम लेंथ हो जाती है आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं है ये बता दो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है यस yes. मैम एल ए और एल कृष्णा बेटा लेंथ है ना ये एल ए का मतलब क्या हुआ लेंथ ठीक है यस चलो चलो अब हम अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें और ज्यादा क्लियरेंस हो जाए यू हैव टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कौन सा नहीं है यस yes या नो बताना है अगर एक भी कॉन्जुगेशन आ रही है तो वो कॉन्जुगेटेड है ठीक है यस yes या नो में बताना है सारे ऑप्शन 1 2 3 4 आपके सामने हैं जल्दी-जल्दी चलो ये वाला क्वेश्चन अभी मत करना ये अभी तुम नहीं कर पाओगे ये मैं बाद में कराऊंगी बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई ट्राई करो try करो ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट वाला देखते हैं यस yes या नो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है लेकिन मैम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और फिर यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही है यानी कि यहाँ पे मुझे कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिखाई दे रहा वैसे ही अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे तो पाए है लेकिन बेटा यहाँ पे सिग्मा है और आगे भी सिग्मा ही है ठीक है इसका मतलब है नो नॉट नो लिख दू समझ आ जाएगा दैट इट इज नॉट अ कॉन्जुकेटेड सिस्टम ये एक कॉन्जुकेटेड सिस्टम नहीं है ठीक है अब आ जाओ इस पे अब आ जाओ इस पे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे आपको सिर्फ पाए चाहिए अब पाए डबल वाला है ट्रिपल वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता होना चाहिए ठीक है यस तो क्या मैम यहाँ पे मुझे एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपको तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ढूंढना है तो इसको छोड़ दो चाहे ये बोलो मैम पाए है ट्रिपल बॉन्ड में दो पाए बॉन्ड होते हैं तो यानी कि पाए तो है ये क्या है बेटा सिग्मा बॉन्ड है हाँ मैम बिल्कुल सही है और आगे वाले में पाए है बिल्कुल है तो यानी कि बेटा यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे यस इट इज अ अन्जुगेटेड सिस्टम समझ आ रहा है समझ आ रहा है हम कहेंगे यस इट इज अ कंजुगेटेड सिस्टम बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है आ जाओ अब इधर आ जाओ अब इधर इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास पाई बॉन्ड है फिर आपके पास सिग्मा है फिर आपके पास बेटा पाई है ठीक है तुम्हें तो एक ही देखना था और तुम्हें तो बहुत सारे दिख रहे हैं सो यस इट इज अ कंजुगेटेड सिस्टम यस इट इज अ कंजुगेटेड सिस्टम ठीक है Yes. ये वाला मैंने अभी पॉजिटिव चार्ज वाला तुम्हें कराया नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन को हम होल्ड पर डालते हैं हम लिखते हैं होल्ड इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे ठीक है बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो आंसर दे ही दिया है एप्सोल्यूटली राइट right. बिल्कुल जिन्होंने अभी तक आंसर दे दिया है सो so गुड बेटा आप बिल्कुल सही हो पर मैंने अभी तक पॉजिटिव चार्ज नहीं कराया है तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद तुम इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है

मैम पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई है तो यानी कि मैम यहाँ पे ये वाली कार्बन में मुझे कंजुगेशन दिख रहा है और अगर कहीं भी एक भी जगह कंजुगेशन है तो फिर वो कंजुगेटेड सिस्टम है तो इसका आंसर हो जाएगा यस इसका आंसर हो जाएगा यस किसकी वजह से इसकी वजह से ये वाले स्ट्रक्चर की वजह से ठीक है अब वो वाला कर लो अब वो वाला करो देखो अगर तुम यहां देखोगे तो मैम पाई है ठीक है फिर सिग्मा है ठीक है फिर से सिग्मा आ गया गड़बड़ हो गई अब इधर वाले को देख लेते हैं पाए है, बिल्कुल है।, सिग्मा है पाए है सिग्मा है फिर सिग्मा है पाए है इधर भी सिग्मा है यानी कि कहीं भी कंजुगेशन नहीं दिख रहा तो मैम इट इज नॉट अ कॉन्जुकेटेड सिस्टम ठीक है आ जाओ इधर ये वाले में ये वाले में बेटा सारे ही सिग्मा बॉन्ड है मैम सारे ही सिग्मा बॉन्ड है एक भी नहीं है पाए तो नो इट इज नॉट अ सिस्टम आ जाओ इधर एक पाए तो दिख रहा है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे ही सिग्मा है कहीं पे भी पाए नहीं दिख रहा इसका मतलब नो इट इज नॉट अ कॉन्जुकेटेड सिस्टम क्या वो कॉन्जुकेटेड सिस्टम है फिर नहीं ये भी नहीं है वो भी नहीं है क्योंकि वहां पे भी एक ही पाए है सो आंसर इज नो राइट और jaldi जल्दी 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 uh, अच्छा uh, sorry, माइक में भी दूर हो गया होगा अब ठीक है अब ठीक है बेटा अब आवाज clear आ रही है वन ओनली एब्सोल्यूटली राइट फर्स्ट वाला है बाकी के सारे जो है मैम वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है ठीक है Yes। चलो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है बेटा no मैम आपने हमें बता दिया हमने मान लिया कि isolated systems में हमनेशन नहीं होता है लेकिन क्यों नहीं होता है ठीक है मैम सॉरी रेजोनेंस नहीं होता है क्यों रेजोनेंस नहीं होता है ठीक है yes. यस तो अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्यों नहीं हो सकता है ठीक है सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं आधे से ज्यादा जनता तो यही भूल गई होगी क्या होते हैं का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है फिर सी एच है फिर आपके पास में एक दो तीन चार फिर सी एच टू एक सिंगल बॉन्ड हो गया फिर एक और सिंगल बॉन्ड हो गया दो तीन चार फिर सी एच टू दो बना दिया मैंने हाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं और फिर सी एच टू बना देते हैं ठीक है ये आपको एक

मान लिया कि आइसोलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस हो रही है अगर होती तो क्या होता मैम ये उठ के यहां जाता जैसे अभी तक जा रहा था तो मैम हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता आपने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड वाला ढांचा तो सेम टू सेम ही बना लो तो मैं सेम टू सेम बना देती हूं CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH फिर डबल सिंगल बॉन्ड CH2 ठीक है अब क्योंकि यहां तक तो इसका अफेक्ट आया ही नहीं तो मैं ये वाला डबल बॉन्ड बना दू क्योंकि ये तो मूव किया ही नहीं अभी तक यहां पे जो मूवमेंट हुई है वो मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूं क्या किया हमने यहां से मैम यहां पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया ठीक है अगर आपने यहां डबल बॉन्ड बनाया बेटा तो इसका चार्ज क्या हो गया देखो एक और दो मैम चार होते हैं फॉर्मल चार्ज माइनस थ्री तो इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो प्लस वन आ गया अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये तो तुम्हें क्लियर ही होगा चलो बहुत बढ़िया अब आगे बात करते हैं, अब आगे आगे बात बात करते करते हैं हैं अब मैम अगर हम अगर हम ये वाले कार्बन की बात करें कौन से वाले कार्बन की बात करनी है ये वाले कार्बन की मुझे जरा बताना ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं अगर आप ये दो हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख के अगर आप ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो कार्बन और फिर हाइड्रोजन ठीक है ये था ये था हाँ अब ध्यान से देखो एक दो तीन चार और पांच यानी कि अगर मैम आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस कार्बन के फाइव बॉन्ड्स बन रहे हैं और क्या इसके पांच बॉन्ड बन सकते हैं ट पॉसिबल और इसीलिए आपके आइसोलेटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो रेजोनेस शो नहीं करते हैं नॉट पॉसिबल तो आइसोलेटेड सिस्टम डू नॉट शो रेजोनेंस मुझे जरूर बताना बेटा कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं क्योंकि बहुत धीरे धीरे करा रही एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें समझ आए फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे ठीक yes. है यस परफेक्ट है परफेक्ट है यस अगर आप इस वाले बॉन्ड को इधर मूव करते हो तो बेटा डबल बॉन्ड आता है फिर यहां पे अगर कोई डबल बॉन्ड होता तो वो नेगेटिव चार्ज में जाता ना तभी तो रेजोनेंस होती यस yes, तो इसीलिए दोनों को कंपेयर कर लो तुम्हें समझ आ जाएगा ठीक है चलो सब कुछ क्लियर है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अमेजिंग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नाउ नाउ बेटा हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो एक केस तो हम पढ़ चुके हैं जब आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है दूसरा है, है है? अगर आपके पास में lone pair होता है, conjugation में होता ठीक ऐसी conjugation कैसे होगी? टेप टेप चलेंगे सब समझ आएगा मान लो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है सी एच टू डबल बॉन्ड एच और यहां आ जाएगा ओ एच ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ये लो ठीक है yes. अब ऐसा जब सिस्टम होता है ऐसा जब सिस्टम होता है जब आपके पास में जब आपके पास में डबल बॉन्ड हो ठीक है और बेटा डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड है फिर एक सिग्मा बॉन्ड है और फिर क्या है फिर क्या है बेटा आपके पास लोन पेयर है तो डबल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है एंड देन यू हैव लोन तो जब ऐसा केस होता है तब भी आपका रेजोनेंस पॉसिबल होता है अब मैं आपको मैं दिखाऊं या फिर आप खुद से ही इसको लिख सकते हो ट्राई करो इसको लिखने का अगर मैम हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये जो आपके लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे बेटा पाई बॉन्ड बनाएंगे ठीक है अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो मैम इस कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे लेकिन ये कार्बन पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता और इसके पास में एक बॉन्ड है तो वो बॉन्ड बेटा पूरा का पूरा आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा ढांचा तो बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही बनाना है H2 लिखना है फिर C लिखना है फिर सिग्मा वाला बॉन्ड लिखना है फिर ये लिखना है फिर कार्बन फिर बेटा आपका ऑक्सीजन और फिर आपका हाइड्रोजन और ये लोन पेयर जो चेंज नहीं हुआ ठीक है अब देखो अब देखो मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे मूव किया तो डबल बॉन्ड आया यानी कि यहाँ आएगा बेटा आपका डबल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये क्या किया था हमने एच लिख दो ना सिंपल C के साथ एच टू ऐसे लिखना ठीक है हाँ अब मैम हमें पता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये यही रहेगा और यहाँ पे लोन पेड़ चले गए हैं और क्या चार्ज आ जा जाएगा तुम खुद देख सकते हो जब लोन पेड़ जाएगा तो कार्बन के पास बेटा कितने बॉन्ड्स हो गए हैं एक दो तीन चार पांच फोर माइनस फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो माइनस आएगा बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है तुम्हें अब एक दो तीन चार और पांच पांच ही हैं यस तो सिक्स माइनस फाइव यानी कि प्लस वन आ रहा है तो बेटा आपके ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता सॉरी रेजोनेंस होती है सो दिस इज हाउ रेजोनेंस टेक्स प्लेस ठीक है अगर तुम्हें इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो सुपर इजी सुपर इजी पहले वाली चीजें सारी सेम टू सेम लिख लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नहीं अब जहां पे रेजोनेंस हो रही थी वो देख लो मैम यहाँ पे हो रही थी डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है उसके बाद में मैम यहाँ पे हमारे ये क्या किया है दो कार्बन क्यों बना दिए आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी

चार्ज सो so, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड. अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको बस ऐसे बस ऐसे ऐसे. रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने सीखने हैं, है? ठीक है बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना तो ऑब्वियसली वो दे सकता है ठीक है यस yes? डन चलो अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कर दो यू हैव टू ड्रॉ यू हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजो हाइब्रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है ठीक है ट्राई करो फटाफट देखो देखो कैसे बनाओगे सबसे पहले देखो कि क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लोन पेयर है ठीक है फिर एक सिग्मा बॉन्ड है और फिर एक डबल बॉन्ड है यानी कि मैम बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है अगर लोन पेयर है सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस पॉसिबल है और अब तुम फटाफट खुद से बना सकते हो कि मैम हमें पता है ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ जाएगा और ये जो होगा वो यहाँ चला जाएगा तो बन क्या जाएगा बन क्या जाएगा यू विल हैव H2C पहले वाली चीजें तो डिटो सेम बना ही लो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ और अब हमें जो रेजोनेंस हो रही थी वो वाले चेंजेस दिखाने हैं तो मैम ये यह यहाँ आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इधर चला गया तो इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स तो मैम इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमें रेजोनेंट 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 हाइब्रिड बनाना है तो बहुत आसान है पहले लिख लो H2C फिर CH फिर CH2 ठीक है और अब देख लो कि किस-किस के ऊपर आपका डीलोकलाइजेशन हुआ है किस-किस के ऊपर आपका रेजोनेंस हुआ है यहाँ पे एक बॉन्ड था दो बॉन्ड है यहाँ पे दो बॉन्ड थे एक बॉन्ड है इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका उधर चार्ज है, इधर चार्ज था, मतलब दोनों पे पार्शियल था तो पार्शियल नेगेटिव दोनों पे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड आर एच लिख रही हूँ ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है आई होप एकदम क्लियर हो रही होगी बात ठीक है कौन सा फिर से बताऊ ये वाला स्ट्रक्चर बताना बेटा इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर था तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा ठीक है और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड आप इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेंगे डन है डन है एब्सोल्यूटली राइट right, बहुत बढ़िया ठीक है ओके

अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है ये समझने से पहले आपको ऑर्बिटल का समझना पड़ेगा आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि मैम ये वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेकेंट ऑर्बिटल इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ओके तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन का एग्जांपल लेते हैं बेटा कार्बोकेटायन जो होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है अब तक तो सबको समझ आई गया होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके इसके वेलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके इस कार्बन के वेलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आप क्या कहोगे मैम अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल में शेयरिंग होके एक दो तीन चार पांच और छे. कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, है ये आपके सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं मैम ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो हम क्या कहेंगे कैन एक्सेप्ट ये दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर सकता है और मैम जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है यानी कि बेटा यानी कि बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो जो कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए उनके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी डेफिनेशन समझ लो। बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे तो जाओगे। तो इस कंफ्यूज हो इसका भी है, so orbital, है? So जो भी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ठीक है यस yes, तो हम क्या कहेंगे दैट Uh, आगे डेफिनेशन मिल जाएगी एक और एग्जांपल देती हूँ एक और एग्जांपल देती हूँ बी uh, है ना तो BF3 ये B है आपके पास ये फ्लो, फ्लोरीन 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 बोरोन है आपके पास हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन बोरोन का बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिख दो तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कैसे लिखोगे बोरोन मैम फाइव यानी कि वन एस टू ये होता है आपका बोरोन यस yes, बिल्कुल अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा तो अगर मैम बोरोन को हम एक्साइट भी करा दें तो भी मैम इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं excited state में बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1s2 ये जंप करके मान लो यहां चला गया तो 2s1 2p2 अगर आप p ऑर्बिटल देखोगे तो आपके पास में यहाँ पे अभी भी एक विकेंट ऑर्बिटल है आपके पास अभी भी एक विकेंट ऑर्बिटल है ठीक है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है इट हैज अ विकेंट ऑर्बिटल इतना समझने की जरूरत है तो विकेंट ऑर्बिटल्स आई होप अब क्लियर हो गया होगा क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है जल्दी बता दो जल्दी बता दो बेटा डन है डन है yes. मैं तुम्हें समझाऊंगी आगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया इसको लिख लो इसको लिख लो बेटा जो भी ठीक है चलो तो मैम यहां से यहां से हम वेकेंट ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं एनी ऑर्बिटल दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ वेकेंट ऑर्बिटल डन है डन है अब अगर वेकेंट ऑर्बिटल है ठीक है अगर वेकेंट ऑर्बिटल समझ आ गया तो फिर मैं आपको आगे की कहानी समझा सकती हूं ठीक है कृष्णा ऑर्गेनिक का पार्ट है बेटा सॉरी इनऑर्गेनिक का वो पार्ट है मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूं कि एक ऑर्बिटल खाली है अगर किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल का सेंट्रल एटम जो है उसका एक ऑर्बिटल अगर खाली है और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पा रहा है तो इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल ठीक है यस क्लियर चलो ठीक है चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि और कहा नहीं प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्या, क्या ये वाले केस में बेटा वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं जल्दी बताओ आई वस और नो जल्दी से बताओ क्या इस ऑर्बिटल के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं जल्दी 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 बताओ बेटा क्या नाइट्रोजन ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं यस और नो हैदर का आंसर आ रहा है नो कृष्णा ने आंसर कहा नहीं नफीशा ने कहा यस चलो ठीक है चलो मैं बताती हूं वेरी गुड मैं बस यही चाहती थी कि एक दो स्टूडेंट्स students...

सात और आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैम इसका कंप्लीट ऑक्टेट है ठीक है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड आल्सो बेटा नाइट्रोजन जो है वो आपका सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है ठीक है तो सेकंड पीरियड के अंदर डी डी ब्लॉक एलिमेंट सॉरी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं ठीक है तो आपके सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो मैम इसका मतलब है कि ये और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है नो वेकेंट ऑर्बिटल नो वेकेंट ऑर्बिटल ठीक है समझ आया कि नहीं समझ आया कि नहीं ठीक है अब आ जाओ इधर अब बताओ ऑक्सीजन में क्या ऑक्सीजन में वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं क्या ऑक्सीजन में वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं जल्दी 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 यस yes, प्रिंस पूछो बेटा पूछोगे तो आंसर देंगे ठीक है यस yes. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगर मैम हम ऑक्सीजन का देखें तो एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आठ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में और ये मैम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है सो so कोई डी ऑर्बिटल है नहीं सो so कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है सो नो वैकेंट ऑर्बिटल सो नो वैकेंट ऑर्बिटल क्लियर और नॉट बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया अगर ये समझ आया तो ये वाला कार्बन भी बताओ और ये वाला कार्बन भी बताओ दोनों कार्बंस के लिए बताना है क्या दोनों कार्बंस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या दोनों के पास नहीं है क्या किसी एक के पास है और किसी एक के पास नहीं है जल्दी 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 बताइए 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 ठीक है यस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बच्चे चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब मैम अगर हम ये वाली कार्बन की बात करें यहां पे थ्री आना चाहिए था यहां पे बेटा थ्री आना चाहिए ठीक है ये सी एच थ्री है ठीक है ओके okay. तो अगर आप ये वाले कार्बन की बात करोगे तो मैम हम ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन है तो आप ऐसे हाइड्रोजन बना लो और फिर ये सी है फिर ये मैम हमारे पास में एच है और ये एच है और इसके ऊपर आपने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है आपने कहा दोनों कार्बन का अलग अलग से बताना है तो पहले ये वाली कार्बन की बात करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो मैम ये वाली कार्बन जो है वो मैम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करती है और इसके आठ के आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं सो मैं सीधा लिख रही हूँ नो वैकेंट ऑर्बिटल्स कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ओके आ जाओ दूसरी वाली कार्बन पे ये वाले कार्बन की बात करते हैं मैम अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 तो मैम इसके सिर्फ 6th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे सिर्फ बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब ये मैम टू आ, सीधा लिख लो आ, टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकती है ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकती है सो इट हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल तो वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करना सीखना है क्योंकि ये रेजोनेंस में काम आएगा ठीक है इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे फिर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से सारी चीजें समझ आए वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़े तो अब आपके सामने एक और दो और सवाल है इन दोनों सवालों का आंसर अब आपको करना है ठीक है तो अब अब ना थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं क्वेश्चंस तो थोड़ा गौर से देखना और अच्छे से जवाब देना ठीक है यस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स सी अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन के पास मैम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि मैम एट वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ऑल्सो ये बेटा आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और अगर सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो मैंने तुम्हें बताया उनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं सो नॉट अ नॉट नो वैकेंट ऑर्बिटल लिख लो नो वैकेंट ऑर्बिटल तो मैम यहां पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है ठीक है आ जाओ इधर अब हम इसकी बात करते हैं अब मैम अगर हम क्लोरीन की बात करें तो एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ ठीक है आठ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैम आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना हाँ जैसे ऊपर था वैसे ही है तो मैम अगर इसके आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब है कि ये और इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकता सो इट इज इट हैज नो वेकेंट ऑर्बिटल्स ठीक है क्या मैंने ये सही लिखा

थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसका मतलब है मैम हम लिखेंगे दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ठीक है

लिख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट स्पीड में लिखो बेटा स्पीड में लिखो ओके आई होप लिख लिया होगा इससे ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट इज लोन पेर इन कॉन्जुगेशन विदेंट ऑर्बिटल्स। अब हम वेकेंट कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेजोनेंस जो है वो और तीसरे कौन से केस में हो सकती है जब आपका लोन पेर हो और आपके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो यानी कि मैम लोन पेर फिर एक सिग्मा बॉन्ड फिर एक सिग्मा बॉन्ड और फिर मैम वेकेंट ऑर्बिटल वीओ लिख दू समझ आ जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल ठीक है अब बिना एग्जाम्पल के तो तुम मेरी कोई बात पे विश्वास नहीं करते हो बिना एग्जाम्पल के तो तुम मेरी कोई बात पे विश्वास नहीं करते हो तो अब विश्वास करना ध्यान ऐसा मॉलिक्यूल है सी एच टू प्लस ऑक्सीजन फिर है यहां पे है आपके पास एच अब एक मिनट ये प्लस साफ बना देते हैं ठीक है नाउ नाउ यू हैव टू नाउ यू हैव टू राइट देअ रेजोनेस मतलब तुम्हें final जो तुम्हारा resonance hybrid होगा वो फाइंड आउट करना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं ट्राई करो इसको ट्राई करो सी एच टू है ये सी एच टू ठीक है चलो ट्राई करो आई होप तुम लोग ट्राई कर रहे हो जिसको नहीं समझ आ रहा वो आ जाओ मैम कराएंगे नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें पता है हमें पता है कि इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैम ये क्या करेगा ये यहाँ पर दे देगा ठीक है तो अब तो मैम जो हमारा ढांचा तो बिल्कुल को तो, मतलब तो यही रहेगा फिर कार्बन आएगा फिर एच टू रहेगा आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया ठीक है तो मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया ठीक है अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या मुझे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाल के बता सकते हो क्या मुझे कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाल के बता सकते हो कितना होगा कार्बन का फॉर्मल चार्ज कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे मैम हमें पता है कि इसकी क्षमता कितनी है फोर इलेक्ट्रॉन्स की है ठीक है और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है एक दो तीन और चार दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही है तो टोटल चार ही है यानी कि बेटा अब आपका जो ये हाइड्रो कार्बन है ना ये न्यूट्रल हो चुका है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है क्या आप मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बता सकते हैं अभी भी इसके पास यहाँ दो लोन पे हैं अब अगर आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो उसकी क्षमता है छह इलेक्ट्रॉन्स की और बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके बैठा है एक दो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो तीन चार और पांच पांच ही है इसका मतलब है मैम कि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या रहा है प्लस वन का आ रहा है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो आ जाएगा प्लस ठीक है यस तो ये होंगे बेटा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप सिर्फ कोई बोले कि रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो तो क्या करना है पहले तो ढांचा सेम टू सेम लिखो एच ओ फिर सी एच अब अब देखो अब देखो कि कहां पे हुआ है मैम यहां पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन थे पहले एक सिंगल बॉन्ड था फिर हमारे पास में डबल बॉन्ड आया यानी कि मैम सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमें डीलोकलाइजेशन दिखाई दिया है चार्ज कैसे बनाते हैं तुम्हें सिर्फ पार्शियल वाला देखना है देखो इधर पहले बेटा पॉजिटिव था कार्बन के ऊपर और फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया यानी कि पूरा का पूरा जो चार्ज था वो सिर्फ पॉजिटिव ही था और दोनों के ऊपर आया है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा तो पूरा लिखने के बजाय मैम लिख रही है आर एच आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे ठीक है यस yeah. <coughs> गायत्री बेटा गायत्री बेटा आप केमिकल बॉन्डिंग के सारे स्ट्रक्चर्स अगर ऐसे ले आएंगे तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे पहले हम सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लें उसके बाद में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ठीक है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े आगे बढ़े बेटा चलो <coughs> अगर ये समझ आया तो चलो अब ये क्वेश्चन कर दो अब ये क्वेश्चन कर दो ठीक है लेट्स सी क्या होगा आंसर फाइंड फाइंड द द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ठीक है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करना है दोनों का और रेजोनेंस हाइब्रिड भी दोनों का ही फाइंड आउट करना है वन बाय वन ट्राई करो जल्दी 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 ठीक है yes. यस चलो आई होप समझ आ रहा है अरुण सी एच टू का वो निकाल के देखो फॉर्मल चार्ज आपको समझ आ जाएगा ट्राई करो फिर आपको समझ आ जाएगा नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हियर ठीक है तो मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि एक लोन पेयर हो और एक सिग्मा बॉन्ड हो ठीक है लोन पेयर मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है उसके बाद में मुझे सिग्मा बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के पास क्या विकेंट ऑर्बिटल है

फर्स्ट फर्स्ट हो हो गया, हो गया क्या? ठीक है, यस। yes. तो कई बार ना चालू क्वेश्चन भी पूछती हूँ मैं ओके okay. चलो अमेजिंग नो मैम नहीं है ये हुई ना बात देखा मुझे पता है तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया होगा अब आ जाओ इधर अब आ जाओ इधर क्या बेटा क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो मैम उसके पास पास ऑर्बिटल्स होते हैं तो yes, पास है. तो यस इसके वेकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब है है कि लोन पेयर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और वेकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है तो चलो करते हैं ये रहा आपके पास में इलेक्ट्रो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाएगा बेटा तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या बन जाएगा एच टू फिर सी फिर मैम डबल बॉन्ड आ जाएगा सात और आठ तो अगर आप क्लोरीन के क्षमता की बात करेंगे तो सात इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता होती है यस मैम लेकिन अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सात हैं, है, यानी कि मैम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा ठीक है यस तो यहाँ से मैम हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना सकते हैं कैसे पहले ढांचा तो सेम टू सेम ही लिखना है h2c उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर cl ठीक है यस अब बेटा आपको क्या देखना है कि क्या कहां-कहां डेलोकलाइजेशन कहां, हुआ है ये वाले डबल बॉन्ड पे डेलोकलाइजेशन हुआ है एक बार सिंगल एक बार डबल तो यानी कि मैम हाफ-हाफ बना दो ऐसे थोड़ा-थोड़ा ठीक -थोड़ा, है क्लियर है डन है यहां तक यस अब देखना है चार्ज तो पहले इसके ऊपर नेगेटिव था फिर इसके ऊपर नेगेटिव आ गया यानी कि मैम हम बनाएंगे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट जल्दी 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 यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझ आ गया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है यस चलो अगर यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो केस है बेटा नेक्स्ट जो केस है वो क्या है That is pi bond with vacant orbital. अब अब मैम अगर कोई pi bond आ जाए के साथ तो अब तो आसान लगना चाहिए। हो या कोई भी हो मैम हमें पता है पाई बॉन्ड होगा फिर हमारे पास में एक सिग्मा सिंग्म, बॉन्ड होगा और फिर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है मी गिव यू एन एग्जाम्पल मी गिव यू एन एग्जाम्पल ठीक है तो मैम पहले ले लो एच टू सी फिर ले लो डबल बॉन्ड फिर ले लो कार्बन और फिर हमें वेकेंट ऑर्बिटल लेना है तो ले लेते हैं हम C फिर आ जाएगा H2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो दिस इज योर स्ट्रक्चर अब जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका इसका बेटा आप बिल्कुल जल्दी से मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दो और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लो स्पीड से अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब तुम्हें होनी ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम दिक्कत है ही नहीं कहीं पर ठीक है यस yes.

तो क्या करूं इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ ठीक है यस ये तो मैं तुम्हें कराना सिखा चुकी हूँ फर्स्ट केस में यस तो यानी कि मैम अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अगर आप सी एच टू का फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो न्यूट्रल आएगा मैं खुद बता रही हूँ कि उसका फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल आएगा चार की क्षमता है चार इलेक्ट्रॉन्स है सो इट इज न्यूट्रल अब ये वाले कार्बन का निकालो अब तुम्हें ये वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है क्षमता होती है चार की और ये बॉन्ड कितने बना रहा है तीन ही बॉन्ड बना रहा है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तीन ही है तो फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री प्लस वन हो गया तो बेटा अब इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो प्लस आ गया ठीक है तो ये आपका रेजोनेंस ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए ठीक है अब आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मैम ढांचा तो एकदम सेम टू सेम ही बनाना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब बेटा आपको देखना है कि कहां -कहां हुआ है है कि हुआ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड है, है, है इसका मतलब है कि मैम दोनों पे आप ऐसे स्ट्रक्चर बना दो अब चार्ज देखो यहाँ पे बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव था यहाँ पे ये यह जीरो है यहाँ पे भी ये जीरो है मतलब बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है यहां पे मैम पॉजिटिव आ रहा है एक बार और एक बार ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है पार्शियल मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव तो आपको गौर रखना है कि कौन से कौन से एटम्स पे चार्ज आता है और आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा आर एच वो उसी तरीके से बनेगा क्या आपने ये बना पाए या नहीं क्या आपने क्या आप ये बना पाए या नहीं ठीक है यस yes. क्लियर है केमिस्ट्री वाइब्स एट द रेट केमिस्ट्री वाइब्स ऊपर देखो ना लिंक आ तो रहा है।, थी, है, चलो बहुत बढ़िया। अगर, अगर ये समझ आया तो इसके बाद में इसके बाद में बस एक केस बच गया उसके बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ठीक है एक लास्ट केस है उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है यस चलो बेटा करो क्लियर है चलो ना ला अगला जो है दैट इज योर नॉन पोलर नॉन पोलर पाई बॉन्ड विद रेडिकल ठीक है यस yes. अब ये तुमने ना कभी सुना ही नहीं है लेकिन तुमने एक चीज याद है तुम्हें याद है रेडिकल जब मैं तुम्हें बता रही थी थोड़ा सा, थोड़ा सा सा थीडिया दिया था मैंने तुम्हें रेडिकल का तो इसका मैं सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चर बता रही हूँ इसकी पूरी डिस्कशन जो है वो जब हम रेडिकल पढ़ेंगे तो मैं आपको कराऊंगी ठीक है वैसे रेजोनेंस जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करनी है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है स्ट्रक्चर कैसे होगा हमें पता है मैम नॉन पोलर डबल बॉन्ड होगा फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा और फिर आपका एक रेडिकल होगा रेडिकल का मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है यस yes. तो यानी कि मैम यहाँ पे मान लो आपने बना दिया एक नॉन पोलर पाए बॉन्ड फिर इसके बाद में आपके पास में एक कार्बन है बेटा इसके ऊपर मान लो एक रेडिकल है ठीक है सो तो ये आपका

क्या आप रेडी हैं क्या आप रेडी हैं? बताइए बताइए चलो क्योंकि अब ना सवालों की भरमार आने वाली है तो मैं चाहती हूं कि आप सब बताओ कपिल मैं क्लास के एंड में बता दूंगी प्लीज ठीक है चले आगे यस रेडी है चलो फिर आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे सवाल आ गए हैं और आपको इन सभी सवालों को फटाफट जवाब देना है पहल कहता है find which of the following system is conjugated. आपको बताना है कि कौन से कौन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड है यस नो यस नो करके आंसर बताने हैं ठीक है फटाफट फटाफट फट करना है ठीक है चलो तो पहला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैम एक पाए बॉन्ड है हमारे पास एक पाए बॉन्ड है ठीक है फिर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा कार्बन के ऊपर इसका मतलब है कि वेकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल है तो मैम यहां पे कॉन्जुगेशन बिल्कुल पॉसिबल है सो तो आंसर होगा यस आंसर होगा क्या आपने यस यस आंसर दिया बहुत बढ़िया यस या नो आंसर दो वन के साथ यस या नो आंसर दो ठीक है सेकंड वाले की बात करते हैं सेकंड वाले में देखो बेटा यहां पे है, पाई फिर आ रहा है एक सिग्मा बॉन्ड और फिर आ रहा है बेटा आपका एक और सिग्मा बॉन्ड जब दो सिग्मा एक साथ आ जाए मतलब कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है तो आंसर क्या होगा नो तो आंसर क्या होगा नो राइट right? यस yes. बहुत ही बढ़िया क्या बात है आदित्य आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा वेरी गुड ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इधर मैम अगर हम यहां देखें तो पाए है इधर मैम सिग्मा है और फिर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब है दैट यहां पे मैम रेजोनेंस पॉसिबल है सो आंसर इज यस ठीक है आ जाओ इधर यहां पे बेटा आपके पास में है पाई बॉन्ड फिर है आपके पास सिग्मा बॉन्ड एंड देन यू हैव फ्री रेडिकल जो अभी अभी दो सेकंड पहले पड़ा इसका मतलब है दैट यहां पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है यस 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 एब्सोल्युटली यस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब इधर बात करते हैं मैम यहां, है यहां है सिग्मा और यहां पे भी आ गया सिग्मा मतलब नॉट पॉसिबल तो नो no. ठीक है वैसे तो रेडिकल है यहाँ पे लेकिन क्या फायदा दो सिग्मा आ गए ना सो नॉट पॉसिबल नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखोगे तो पाए फिर बेटा आपके पास सिग्मा फिर आपके पास सिग्मा और फिर मैम हमारे पास लोन पेयर है पर अब क्या करें लोन पेयर का बीच में तुमने दो सिग्मा ले आए ना तो आंसर है नो no. तो आंसर है नो डन डन बहुत बढ़िया फाइव का यस बोल रहे हैं क्या बात है फाइव का यस बोल रहे हो फाइव का नो है बेटा आ जाओ इधर ठीक है चलो सेवेंथ करते हैं सेवेंथ करते हैं अगर यहाँ देखोगे तो पाए है फिर आपके पास सिग्मा है फिर आपके पास बेटा लोन पेर है मैंने कहा अगर कोई एक में भी आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वहां रेजोनेंस पॉसिबल है तो यहाँ पे मैम ये वाले पार्ट में पॉसिबल है सो इट इज यस इट इज यस अब इधर बात करते हैं अब इधर बात करते हैं वी हैव अ पाई बॉन्ड हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और हमारे पास है लोन पेर तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है यस 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 सो अ बिग क्लियर यस बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़े आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस करें चलो अगले क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस है फटाफट फड़ करने हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस यहां पे अगर मैम देखें तो पाए बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर हमारे पास लोन पेयर है और अगर हमारे पास लोन पेयर पाए और सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो यस यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है यस 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 बहुत बढ़िया एट इज ऑल्सो यस आगे बढ़ते हैं आ जाओ इधर मैम यहाँ पर पाए दिख रहा है सिग्मा दिख रहा है लोन पेयर दिख रहा है सो इट इज ऑल्सो अस एब्सोल्यूटली यस ठीक है आ जाओ इधर दिख रहा है सिग्मा है फिर से सिग्मा है और फिर फ्री रेडिकल है क्या फायदा दो सिग्मा आ गए तो नो 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 ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं आ, 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 आगे बढ़ते हैं अब अगर आप यहां देखोगे तो यू हैव पाई यू हैव सिग्मा एंड यू हैव यू हैव वेकेंट ऑर्बिटल ठीक है तो क्या मैं इसे बोल दू yes? जल्दी बताओ

क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ध्यान से देखो ध्यान से देखो NH3+ थ्री प्लस है याद है यहां पे मैम नो वेकेंट ऑर्बिटल नो वेकेंट ऑर्बिटल तो इसका मतलब है यहां पे बेटा आंसर नो है मैं इसी का तो वेट कर रही थी नो वेकेंट ऑर्बिटल बच्चा क्लियर हुआ क्लियर हुआ ट्वेल्थ इज द बिग नो ठीक है ट्वेल्थ इज अग नो no, बहुत बढ़िया आ जाओ अब थर्टींथ पे आ जाओ अब थर्टींथ पे अब थर्टींथ पे तुम कहोगे कि मैम फिर से nh3 आ गया नो वेकेंट ऑर्बिटल और क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि यहाँ पे मैम कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी लेकिन क्या आपको ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है पाए सिग्मा पाए तो यानी कि नीचे वाले की वजह से यस है ऊपर वाले की वजह से तो नो ही होता लेकिन कहीं भी दिख रहा है तो यस बोलना था तो यस मैम वाले में यस होगा, ठीक है? है। ये आपको ध्यान रखना आ जाओ वा अब अगले वाले पे फोर्टीन पे मैम यहाँ पे पाए है फिर से पाए आ गया नॉट पॉसिबल ठीक है कॉन्जुगेशन तभी होगा जब पाए सिग्मा पाए होगा तो नो इट इज अग नो ठीक है फिफ्टींथ पे फिफ्टींथ पे भी नहीं पॉसिबल होगा मैम सो नो 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 ठीक है यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चले आगे चले आगे बेटा यस यसटींथ आखिरी क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे विधि इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का रीजन पांच मिनट पहले मैंने ये टॉपिक मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो वहां देखना पड़ेगा इसका रीजन ठीक है मैम बी एस टू में वेकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो पाए सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल सो इट इज अस इट इज अ यस yes. डन है डन है बेटा बहुत ही बढ़िया ठीक है डन है बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है यस सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ठीक है अब बेटा हमने ना हमने ये फाइंड आउट करना सीख लिया कि मैम रेजोनेंस जो होती है वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है हमने ये भी सीख लिया बेटा कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स क्या हैं अलग अलग केसेस क्या क्या है जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है अब जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है वो होता है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना ठीक है तो अब हम आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगी तुम्हें फिर कल की क्लास में हम उनको डिस्कस भी करेंगे ठीक है यस yes, क्या टाइम हुआ है अभी तो है हमारे पास टाइम ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड तो यहाँ पे जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए उसके बाद में बहुत आसान लगता है ठीक है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप बनाते हैं तो आपको क्या सिंबल्स यूज करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ एक तो बेटा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ये एरो यूज करते हैं डबल साइडेड एरो यूज करते हैं किसके लिए फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो भी आपके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके उनके बीच में आपको ये वाला एरो डबल साइडेड एरो यूज करना होता है ठीक है इसके अलावा बेटा आप करली एरो यूज करते हैं डबल हेडेड करली एरो डबल हेडेड करली एरो कब यूज करते थे मैम डबल हेडेड करली एरो हम तब यूज करते थे जब हम ट्रांसफर करते थे दो इलेक्ट्रॉन्स का यानी कि हम क्या लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन शायद तुम सभी को याद है कि ट्रांसफर जब दो इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो हमें एक डबल साइडेड करली एरोड करली करना होता है ठीक है अगर आपने सारी क्लासेस लगाई है तो आपको ये समझ आ रहा होगा अब बेटा कई बार आपको ऐसे एक सिंगल हेडेड एरो भी दिखेगा एक सिंगल हेडेड करली एरो आपको ये बताता है कि आप मूवमेंट कर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन का तो यानी कि हम क्या कहेंगे ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का ठीक है क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं जल्दी बता दो इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है yes. यस uh, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है क्या बोला अभी नोट्स uh, uh, जो भी बेटा पहले तो अपना नाम सही कर लो ताकि मैं तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं uh, हम आइसोमेरिज्म जीओसी करने के बाद करेंगे ठीक है आई में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ओके okay? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बहुत ही आसान है बस आप ऑलरेडी आप सीख चुके हो आधी से ज्यादा चीजें तो आप सीख चुके हो ठीक है बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है यस तो फर्स्ट जो है वो आपके सामने की मान लो आपके पास में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कोई पॉजिटिव चार्जो पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो या फिर आपके पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल इन कॉन्जुकेशन हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे क्या बात पूछ दी मैम हम तो कब से बना रहे हैं हम तो कब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं है ना यस yes. तो बस जो तुमने अभी तक सीखा है उसी को अप्लाई करना है फटाफट फट कर दो ये तो तुम्हारे लिए एकदम कमाल धमाल वाली चीज है फटाफट फट कर दो चलो बनाओ जल्दी 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 ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है चलो चलो अब हम इसको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं अब हमें ना आता है ये ऑलरेडी आता है ठीक है अलग से टॉपिक ऐसे फालतू में बनाया गया है अब मैम मान लो कि हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो हम ऐसे बनाएंगे ठीक है अब मैम पहले तो ढांचा जो है वो सेम टू सेम टू तो मैं लिख लेती हूँ सी एच टू फिर सी CH, एच फिर सी एच टू यहाँ तक तो कुछ चेंज नहीं होगा अब देखते हैं अब देखते हैं कि कैसे रेजोनेंस दिखानी है हमें पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ मूव करेगा है ना हाँ, तो, ये करा दो, कि इस बार यहां तो कितना आएगा न्यूट्रल आएगा मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि चार की क्षमता होती है और चार इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के हैं तो ये वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल होगा इस वाले कार्बन का निकाल लो मैम अगर हम देखें तो चार की क्षमता होती है दो इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो तो हो, yes. हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ साथ रेजोनेंस तो हाइब्रिड भी बना दो तो ठीक है बना देंगे फिर से वही चीज करनी है जो सेम टू सेम चीजें लिखनी है वो तो पहले ही लिख लो वो तो पहले ही लिख लो, लिख लो ली इसके बाद, इसके बाद बाद कुछ नहीं जो चेंज हुआ है देखो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड है इसका मतलब है यहां पे ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट होता है चार्ज तो यहां पे पॉजिटिव था पहले

इट्स ओके okay, बेटा इट्स ओके okay. अगर आपको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो आज जहां से आपको समझ आए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप वो करो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं चलो आ जाओ अब इसका ट्राई करो अब ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है इतना ही काम है इसके अलावा और कुछ नहीं ठीक है अब उसका बनाना सीख लो अब ना थोड़े से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे बस इतना होगा ठीक है ट्राई करो ट्राई करो ठीक है बाकी मैम तो करा ही देंगी ट्राई करो लेट्स सी लेट्स सी कैसे करेंगे चलो मैं करवाऊ मैं करवाऊ बेटा लेट्स मूव फॉरवर्ड अब मैम हमें पता है कि यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले जो चीजें सेम रहने वाली हैं वो तो सेम टू सेम बना ही देते हैं ये ऐसे ही रहेगा ऐसे ही रहेगा ऐसे ही रहेगा ऐसे ही रहेगा ठीक है यस इसके बाद में मैम चेंज क्या होगा जब डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये घूम के यहाँ आ जाएगा ठीक है जब ये यहाँ आएगा तो ये वाली कार्बन के पांच बॉन्ड बन जाएंगे इसलिए ये वाली कार्बन क्या करेगी इसको इधर शिफ्ट कर देगी ठीक है क्लियर हो रहा है इसका मतलब है मैम इसका मतलब है कि अब हमारा डबल बॉन्ड जो है वो एक तो यहाँ आ जाएगा सॉरी 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 जो हमारा डबल बॉन्ड है एक तो इधर आ जाएगा मूव होके यहाँ आ गया और जो इधर वाला था वो उधर चला गया यानी कि मैम यहाँ चला गया ठीक है यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज चार्ज की बात करो बेटा अगर यहाँ देखोगे तो ये वाली कार्बन के पास आपके दो हाइड्रोजन भी हैं इसका मतलब है मैम इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो तो जीरो है चार ही क्षमता है और चार इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं पर ये वाली कार्बन के दिक्कत हो गई क्योंकि ये वाली कार्बन के पास अभी भी दो ही हाइड्रोजन है इसका मतलब है मैम अब अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इसका फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है एक तो तरीका है फॉर्मल चार्ज से निकालने का जो बेस्ट है जो कभी गलत नहीं होगा

इसके अलावा इसके अलावा अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ डीलोकलाइजेशन हुआ है पहले यहाँ डबल बॉन्ड था अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है यहाँ सिंगल था यहाँ डबल हो गया यहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया यहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया मतलब सारे में डीलोकलाइजेशन हुआ है पूरे में डीलोकलाइजेशन हुआ है ठीक है तो मैम ऐसे बनाना पड़ेगा ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज चार्ज देखो बेटा मैम पहले इस कार्बन पे था और फिर इस कार्बन पे है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले दो कार्बन के ऊपर है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना दो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो, हो जाएगा क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आई ठीक है डन है यस अमेजिंग बहुत बढ़िया नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा अगला वाला विधि व्हाट इज बेटा क्या आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है क्या डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जब आपके पाए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो हम उसे कहते हैं ठीक है है यस आई होप ये क्लियर हो गया नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस अब यहाँ से ना असली मेहनत शुरू होती है अगर आपने ये वाला कर लिया तो आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ आ जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना रही हूँ इधर

ठीक है तो मूवमेंट कैसे होगी बेटा ये आपका ओके okay, ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा ठीक है हाँ जब ये इधर जाएगा तो इसका मतलब है इसका मतलब है, देखो धीरे धीरे करना कंफ्यूज नहीं होना है धीरे धीरे चीजें करनी है तो जब तुम ये वाला पार्ट कर रहे हो तो इस पूरे को भूल जाओ इस पूरे को भूल जाओ नीचे वाले पार्ट को तुम्हें सिर्फ इतने सिस्टम को ध्यान से रखना है ढांचा तो, तो, सेम सेम तो चेंज नहीं किया था इसको भी चेंज नहीं किया था ठीक है चेंज क्या किया ये भी चेंज नहीं किया था चेंज क्या किया है सिर्फ ये वाले डबल बॉन्ड को और उसको तो जिस चीज को चेंज किया है सिर्फ उसी को ही लास्ट में लिखना अब मैं इसको अलग कलर से बना रही हूँ

ओके okay. अब क्या करेंगे अब क्या आपका कहीं और फिर से कॉन्जुगेशन हो पा रहा है मैम अगर हम देखें तो ये वाला डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि अब सिर्फ इतना ही पार्ट देखना है ये वाले पार्ट में मुझे कॉन्जुगेशन होता हुआ दिख रहा है तो मैं ये वाले में कॉन्जुगेशन कर दूंगी ठीक है फिर से सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाना है जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको सेम टू सेम बना दो वाइट कलर से बना देती हूँ जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको सबसे पहले बना देना मैम हम डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ रहे हैं इसलिए मैंने पहले ही बना दिया मैं ये वाले डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे सारे के सारे चेंजेस इधर रखने हैं तो इसका मतलब है मैम अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके जा रही हो अगर बेटा आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके जाओगे तो क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाले कार्बन पे आ जाएगा एक्सट्रीम देखो आप सिर्फ इतना सिस्टम देख रहे हो इस सिस्टम में अगर पॉजिटिव इधर था तो ये वाले लास्ट में आ जाएगा जैसे अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था अगर आप फॉर्मल चार्ज निकाल के करना चाहते हो आप फॉर्मल से भी कर सकते हो ठीक है हाँ तो यानी कि मैम अगर इतना पार्ट देखें तो ये वाला पॉजिटिव उठ के यहाँ आ जाएगा तो अब मैम यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा समझ आ रहा है समझ आ रहा है अब क्या और कंजुगेशन पॉसिबल है क्या और कंजुगेशन दिख रही है कोई नई तरह की जो तुमने अभी तक सही ना करी हो बिल्कुल दिख रही है अगर ये पूरा छोड़ दो तो इतना पार्ट कंजुगेशन दिख रहा है हाँ, तो अब इसके अंदर कंजुगेशन करेंगे चलो करते हैं फिर से बेटा स्ट्रक्चर सेम टू सेम जिसको नहीं छू रहे हो उसको वैसे का वैसे ही बना दो तो मैम ये हमने डबल बॉन्ड

अब हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं क्या अभी तुम्हें कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या अभी भी तुम्हें कॉन्जुगेशन दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है क्या दिख रहा है ध्यान से देखो इस पूरे को छुपा लो अब तुम्हें कॉन्जुगेशन दिख रहा है यस मैम इन दोनों के बीच में ये रहा पाई बॉन्ड ये रहा सिग्मा और ये रहा वेकेंट ऑर्बिटल तो यानी कि मैम इसमें भी हम कॉन्जुगेशन कर सकते हैं तो करो कॉन्जुगेशन फिर से जो चीजें सेम रख रहे हो उसको पहले ही बना लो जो चीजें सेम रख रहे हो उसको पहले ही बना लो तो मैम हमने हमने ये बना लिया हम ये वाले डबल बॉन्ड को नहीं खराब कर रहे हम ये वाले डबल बॉन्ड को भी नहीं खराब कर रहे और ऊपर वाले के का ये सिंगल बॉन्ड हम नहीं खराब कर रहे ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अब मैम हमें दिखाई दे रहा है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां आ जाएगा और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो अब कहा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा आई होप समझ आ रहा है यस तो इसका मतलब है मैम यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आपको सेम लगेगा आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर सेम है पर ये स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बेटा ये फर्स्ट कार्बन अगर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो आप देखो आपके वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कार्बन है यहाँ पे वन और टू के बीच में एक बॉन्ड है पर यहाँ पे वन और टू के बीच में दो बॉन्ड है यानी कि इसको देख मेरे को तो समझ आ रहा है कि डीलोकलाइजेशन हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स का है ना और कितने स्ट्रक्चर्स में हुआ है एक दो तीन चार, पांच पांच स्ट्रक्चर्स में हुआ है यानी कि ये पांचों बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तक हम दो दो ही बनाते आ रहे थे लेकिन ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसका रेजोनेंट हाइब्रिड बना सकते हो बिल्कुल बना सकते हैं रेजोनेंट हाइब्रिड बनाना अब हमारे लिए बहुत आसान है पहले जो सिंपल चीज है जो कभी नहीं चेंज हुई वो बना लो तो यानी कि ये 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 और ये और ये इतना चेंज नहीं हुआ इतना चेंज नहीं हुआ इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैम सॉरी चीजें चेंज हुई हैं इसके अलावा मैम हर जगह पे चेंज आया है तो क्या बन जाएगा बेटा ऐसे और ऐसे ठीक है तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा अब बात आती है कि चार्ज कहां लगेगा तो ध्यान से देखो एक तो मैम ऊपर चार्ज था तो यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां लगेगा और सारा पॉजिटिव ही था अगर मैम यहां पर हम देखे तो फर्स्ट ये वाली कार्बन पे भी चार्ज आया था तो पार्शियल पॉजिटिव बना लो क्या कभी ये वाली कार्बन पे चार्ज आया नहीं ये वाली पे नहीं आया फिर इस पे आया तो यहां पे बना दो पार्शियल पॉजिटिव मैम क्या ये वाली कार्बन पे आया कभी नहीं क्या ये वाली कार्बन पे आया यस मैम तो यानी कि यहां आ जाएगा पार्शियल चार्ज सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड तो दिस इज योर रेजुनेंस हाइब्रिड ये था बेटा एक बहुत ही अच्छा सवाल जहां पे आपको रेजोनेंस करना आना ही चाहिए क्या आपको यहां तक कोई भी डाउट है पूछ लो। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो होते हैं जितने पॉसिबल हैं वो बना रहे हैं गिनत ठीक है yes. यस इसको समझ लो बेटा डन है डन है यस ठीक है चलो अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनो इसको रिवाइज करना है मैं बार बार कह रही हूं ये स्ट्रक्चर खुद से बना के देखना है मैं लिख रही हूं यहां पे, तुम देख लो खुद से बनाकर देखो खुद से बनाकर देखो क्योंकि जब तुम किसी और का बनाया हुआ स्ट्रक्चर देखते हो ना तुम्हें लगता है आसान है लेकिन जब तुम खुद बनाने लगते हो तो बहुत सारी गलतियां करते हो ठीक है यस सो यू हैव टू ट्राई दिस यू हैव टू ट्राई दिस ओके चलो बहुत बढ़िया गीता गीतेश नो इट इज नॉट पॉसिबल बेटा इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है चलो अगर ये समझ आया अगर ये समझ आया तो इसको पहले करते हैं वो वाला मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे ठीक है यस चलो अब इसका बनाओ चलो 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 ट्राई करो बेटा इसका ट्राई करो ठीक है अब समझ आ गया तो तुम बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे ओके यस तो चलो सिलसिला करते हैं इसका शुरू मैम हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर हमें दिख गया अब मैम हम यहाँ पे पहले तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो मैम पहले तो ढांचा बिल्कुल सेम टू सेम बना लेते हैं जो चीजें चेंज नहीं हो रही वो तो सेम ही रखते हैं यस yes, ये पॉजिटिव चार्ज है ये पाए है ये सिग्मा है।, है, है ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल है तो मैम अगर ये अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा क्या होगा बेटा देखो अगर ये इधर जाएगा तो मैम यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा जब हम सारा चेंज कर रहे हैं तो इससे लेके इस वाले पार्ट तक कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैम ये वाली कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसको इधर भी डबल बॉन्ड मिल रहा था इधर से भी डबल बॉन्ड मिल रहा है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ये वाली कार्बन पे आएगा ठीक है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्सट्रीम कार्बन जो होते हैं उन्हीं के ऊपर चार्ज चेंज होते हैं तो पहले वहां प्लस था अब यहाँ प्लस हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है डन है डन है बेटा यस यस चलो अब मैम इसको आगे बना सकते हैं फिर से बनाओ बेटा ढांचा तो सेम ही रहेगा यस मैम सेम ही रहेगा और अब आपके पास में जो डबल बॉन्ड है वो ये वाला है ठीक है अब ध्यान से तो देखना पाए बॉन्ड बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि फिर से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है जब तक सेम पहले वाले जैसा रेजोनेंस करते रहना है तो मैम अभी भी हम रेजोनेंस कर सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए बेटा तो क्या होगा अब देखो मैम यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा हाँ ये वाली कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा पहले इधर से डबल बॉन्ड था अब इधर से डबल बॉन्ड है घाटा किसका हुआ ये वाली कार्बन का घाटा हुआ ये वाली कार्बन का घाटा हुआ इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा क्या पहले वाले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के जैसा आ गया अभी भी नहीं आया ठीक है अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ठीक है चलो बनाते हैं फिर से ढांचा तो सेम ही रहेगा पहले वाले के जैसा ही यस मैम बिल्कुल अब हमें क्या करना है पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर है अब ध्यान से देखना अब मैम पाई बॉन्ड सिग्मा एंड विकेंट ऑर्बिटल इसका मतलब है अब मैम ये इधर चला जाएगा अगर ये इधर जाएगा तो क्या ये वाले कार्बन को कोई दुख हुआ नहीं पहले उसको वहां से डबल बॉन्ड मिल रहा था फिर इसको यहां से डबल बॉन्ड मिल जाएगा घाटा किसका हुआ ये वाली कार्बन का तो यानी कि मैम इस बार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम आ गए और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम आ गए इसका मतलब है कि ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है थीके? ये तो सेम ही है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कहेंगे कि ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है थीके? और बेटा अगर आप अपना रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ढांचा एकदम सेम यस yes. उसके बाद में उसके बाद में बेटा कंजुगेशन कहां से कहां आ रहा है बताओ मैम इस पूरे के अंदर आ रहा है यहाँ पे एक बार सिंगल बॉन्ड था फिर डबल आया फिर उधर फिर उधर मतलब हर जगह पे डबल बॉन्ड आया है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ऐसे बना दो इसको एक दो तीन चार ऐसे बना दो ठीक है और पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन के ऊपर आया है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव ठीक है राइट right? यस yes. तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है जल्दी बता दो बेटा जल्दी ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है क्योंकि ये तो सेम आ गया जब सेम आ जाता है तो फिर उसको हटा देना पड़ता है तो दीज थ्री आर योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बहुत बढ़िया ठीक है ओके, okay, यस, yes. एक बार और क्रॉस चेक कर लेना कोई इशू नहीं है जैसे आपको लगे ठीक है अब yes, क्लास यहीं एंड करते हैं आई थिंक यहाँ की आज की क्लास यहीं एंड करते हैं बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे कोई इशू नहीं है ट्राई दी क्वेश्चंस योरसेल्फ। नाउ Now, my dear students. <clears throat> बस कर दिया बस कर दिया आई नो इसके बाद में तुम्हारे समझने की आ, ताकत अब खत्म हो जाती है ठीक है आई अंडरस्टैंड ठीक है चलो आ जाओ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं ठीक है तो बेटा अगर हम अगर हम आज की समरी की बात करें तो आज हमने सबसे पहले सीखा कि रेजोनेंस है क्या ठीक है रेजोनेंस के बारे में हमने सारी डिस्कशन की है आज की रेजोनेंस कैसे होती है आ, उसके बाद में बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखी है जहां जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है ठीक है एंड माई डियर स्टूडेंट्स उसके बाद में उसके बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा है ठीक है आज हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ दैट यू हैव टू डू दिस वेरी वेरी सीरियसली ठीक है तो अगर मैं आज के होमवर्क की बात करूं तो यही लिख देती हूँ होमवर्क होमवर्क में आपको होमवर्क क्वेश्चन करने ठीक है such, आज नो no डीपीपी होगी क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है आपके रेजोनेंस का तो इसी डीपी नहीं होगी बट आपके पास में होमवर्क क्वेश्चन होंगे आपको क्लास के जो नोट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे ठीक है ये दूसरा बेटा यू हैव टू ड्रॉ क्लासवर्क स्ट्रक्चर्स योर सेल्फ जो हमने क्लासवर्क में स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बेटा वो भी आपको खुद से बनाने हैं यू हैव टू ड्रॉ देम योर सेल्फ जब तुम खुद से बनाओगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक है एंड लास्ट इज कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ ठीक है आई होप यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी आई होप आपको सब कुछ समझ आया ठीक है एसीपी क्वेश्चन ना एक्चुअल में ये आपका एसीपी ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है ना ये दिस इज योर एसीपी क्वेश्चन ये आपका एसीपी क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाएगा कि जो हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ भी आया कि नहीं आप कल की क्लास में मुझे ये बताओगे कि इस रेजोनेट हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है आई राइट इट हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है अगर किसी को नहीं पता कि एसीपी क्या है तो कमेंट्स में पूछना अब मैं नहीं बताऊंगी कि एसीपी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है ठीक है यस yes. ओके okay? चलो बहुत बढ़िया बेटा तो दिस इज योर एसीपी प्रॉब्लम आई होप यू अंडरस्टूड दिस ठीक है परफेक्ट है बहुत बढ़िया बेटा तो बहुत मजा आया मुझे बहुत मजा आया मुझे आप लोगों को आज का लेक्चर बताते हुए समझाते हुए बहुत uh, मतलब एक अलग ही बॉन्डिंग फील होती है मुझे जब हम ऐसे क्लास लेते हैं तो आई रियली वॉन्ट कि आप रोज इसी टाइम पर आओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको कोई भी चीज ना वापस जाके दोबारा से रटनी ना पड़े हर चीज क्लास के अंदर ही समझ आ जाए ठीक है ये एंड दिस इज समिंग दैट आई रियली वॉन्ट एंड थैंक यू सो मच बच्चे आज डीपीपी नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था सो डोंट वरी कल से आपकी DPP भी आना स्टार्ट हो जाएगी एंड टिल देन कीप स्टार्टिंग कीप स्माइलिंग कीप एंजॉइंग योर लाइफ बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा Bye-bye.